Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. भैरव चाचा मैं रेडी हूँ छोटे बाबू। अरे पहले मेरे बैटालियन को तो आने दीजिए। बैटालियन उठ जाओ, जल्दी उठो, क्विक बैटालियन, जल्दी उठ जाओ बैटालियन। कर लो बात। ये उठ जा, उठना। दादी लेफ्ट राइट नहीं करोगी? तुम लोग बाहर लेफ्ट राइट करना, मैं रसोई घर में लेफ्ट राइट करूंगी। जाओ जाओ, चाचू बुला रहे हैं वरना गुस्सा करेंगे। जाओ जाओ जाओ। हाँ, अब एक बोलने से हाथ ऊपर, दो बोलने से हाथ नीचे, ठीक है? हाँ ठीक। एक दो, एक दो। अब सबका हाथ कमर पे। हाँ, अब एक बोलने से बैठोगे, दो बोलने से उठोगे, ठीक है? एक दो। अरे अरे अरे, आइए ना दादाजी, हमारे साथ एक दो करेंगे। अरे छोड़, अभी छोड़। अरे आइए ना। अरे क्या कर रही है, कहाँ ले जा रही है? छोटे चाचा, दादाजी हमारे साथ एक दो करेंगे। बहुत अच्छा, तो शुरू करते हैं। तुम्हारे हुक्म से उठक बैठक करना बाकी। अरे हुक्म कहाँ पिताजी, ये तो व्यायाम है। ये उठक बैठक के चक्कर में मेरा शरीर में दर्द हो, 3 दिन सोया रहूं और उसके बाद ऑफिस गोल, बेकार सब। ए तुम लोग करो, मैं थोड़ा टहल लेता हूँ। दादाजी पूरा बेकार। चलो शुरू करो। एक चलो दो, एक दो। माँ जी, कितने बार आपको कहा है सुबह रसोई में मत घुसिए, बाजार आने पे कह दीजिए क्या क्या करना पड़ेगा। तुम लोग तो मुझे आलसी बना के छोड़ोगे बहू। ठीक है, चाय बना के पी के चली जाती हूँ। आप छोड़िए तो, मैं चाय बना रही हूँ। माँ जी देखिए, माँ जी आपके बड़े बेटे ने बाबूजी के लिए ये हॉर्लिक्स लाए हैं। वो मॉर्निंग वॉक से वापस आए तो चाय के बदले ये हॉर्लिक्स देना। नहीं नहीं बड़ी बहू, अजय के साथ बच्चे लोग कसरत करने गए हैं, ये उन लोगों के लिए ही रख दो। क्यों माँ जी, वो लोग तो हर रोज एक ग्लास दूध पीते हैं। लेफ्ट राइट हॉल्ट, लेफ्ट टर्न, स्टैंड एट ईज। चना। अरे 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 अरे, तुम लाइन में। मुझे दो। अरे, कोई हड़बड़ी नहीं, सबको मिलेगा। इस हड़बड़ी की वजह से दुनिया में इतना प्रॉब्लम। ए तू भी जा लाइन में खड़ा हो जा। आइए। अरे बिग भाभी, बड़े भैया को बोल देना कि वक्त बदल चुका है, दूध के दुकान में लाइन, राशन केरोसिन सब जगह लाइन है। घर पे बैठ के चाय पीने से नहीं होगा, लाइन में आना पड़ेगा। वो तो मैं बोल दूंगी, पर ये जो रोज रोज बच्चों से कसरत करवाते हो, खुद कमा के उन लोगों को कुछ अच्छा क्यों नहीं खिलाते हो? क्यों, खिला तो रहा हूँ, ये चने। सच में बेटा, तेरे मम्मी के ऊपर का माला बिल्कुल खाली है। उनको ये पता नहीं है कि एक मुट्ठी चने में कितना ताकत होता है। अरे ओ मिडिल भाभी, बिल्कुल टाइम नहीं है अजय, पिताजी का धोती कुर्ता इस्त्री करना है। ऐसे दिखा रही है जैसे मोस्ट ओबीडिएंट मेड सर्वेंट। चलो ये लो, मिस छुरी, मिस्टर लाठी, मिस्टर हंटर, मिस्टर सोद, मिस मिली, मिस्टर भैरव चाचा और आखिर में अरे अरे अरे, आइए बड़े भैया के ऑनरेबल ससुर जी। लो कर लो। नहीं, बात नहीं, आप तो हमारे बिन बुलाए मेहमान हैं और यहाँ परमानेंटली सेटल भी हो गए आप, इसमें भी आपका हक है, तो खाइए। नहीं, तुम्हारा ये बेकार चीज, मतलब घोड़े का खाना तो मैं खाता नहीं। नहीं, नहीं। बैटालियन हमारे चने खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। हमारे चने खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। सुबह सुबह पापा के पीछे पड़े हैं,
हमारे चने कर लो बात। बाथरूम बाथरूम जाना है मुझे बाथरूम। अजय क्या शुरू किया तुमने? देखो ना बेटा जी, बोल रहा हूँ पेट में बहुत प्रेशर, बाथरूम जाना है, फिर भी बाथरूम। बड़ों के साथ में मजाक करते हो, शर्म नहीं आती? मजाक कहा, मैंने तो सिर्फ चने खाने के लिए बोला था। कल सुबह से अगर तुमने ये शब्द शुरू किया ना तो मार खाओगे। दोनों एक कस के नींद की फालूदा कर दिया। एमकॉम पास किया है, कहीं नौकरी वोकरी ढूंढने की कोशिश कर। वो नहीं, बहुत किया भैया बहुत किया। मेरा नसीब इतना खराब है कि आप लोगों का कोई ससुर या साला नहीं है जिनके रेफरेंस में मुझे नौकरी मिल सकता है। और ये देखिए ना, ये बड़े भैया के ऑनरेबल ससुर जी, हमारे घर का परमानेंट गेस्ट। जाना इन लोगों को पढ़ाने जा। कोई काम का नहीं है, ये लोग भी एक नंबर का बदमाश, छोटे चाचा का चमचा। चल चल चल, काम धंधा कुछ नहीं, सिर्फ आवारागर्दी। इतना शोर शराबा क्यों है? वही पुराना घिसी पिटी बात, घर पे बैठ के खा रहा हूँ। हाँ ठीक ही तो बोला है, तब तो भैया लोग भी बैठ के खा रहे हैं। जी नहीं, वो 10 से 5 ऑफिस करता है। लेकिन पिताजी कभी उनका सैलरी तो आपके हाथ में देते हुए नहीं दिखा। वो मैं अभी नौकरी करता हूँ इसलिए पैसे नहीं लेता हूँ, अभी वो पैसा बैंक में है, जब रिटायर करूंगा तब वो पैसा काम में आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, तो जब आप रिटायर हो जाएंगे तब मैं काम करूंगा। सुनी इस बेवकूफ की बात सुनी, जैसे नौकरी नहीं प्रसाद है, मैं रिटायर करूंगा और नौकरी आके हाथ में गिरेगा। छोड़ो ना पिताजी, आपके कपड़े इस्त्री हो गया है, आपके कमरे में रख दो। जाओ बाबूजी, हॉर्लिक्स पी लीजिए। क्यों क्यों क्यों, हॉर्लिक्स क्यों, चाय कहाँ है? आपके बड़े बेटे ने कहा था कि बाबूजी मॉर्निंग वॉक से आए तो चाय के बदले हॉर्लिक्स देना। लीजिए लीजिए समधी जी, हॉर्लिक्स ही लीजिए, इतना जब कह रही है तो। तो फिर अपने बाबूजी को भी हॉर्लिक्स दो। नहीं पापा चाय पीएंगे। हाँ मैं चाय ही। चाय पीजिएगा। हाँ हाँ सुनो भैरव के हाथ थैली वेली भिजवा, मैं बाजार बाजार कर लेता हूँ। क्या मछली खाइएगा समधी जी? मैं तो हमेशा बाजार का बेस्ट चीज ही पसंद करता हूँ, पर आपका टेस्ट भी कुछ कम नहीं है। तो फिर आप जो सही समझे वही लाइए। अच्छा ठीक है। ए आंखें बंद करो ना। जा तंग मत करो, हटो यहाँ से। बंद करो ना। तुम भी ना। लो अब हुआ। लो आंखें खोलो। कितनी खूबसूरत है। कुछ पैसा मिला। अभी मत पहनो। क्यों? कल परसों मायके चली जाना, वापस आके बोलना ये तुम्हारे पापा ने दिया है। हाँ, ये अच्छी है। बेटा जी इधर कई दिनों से सपनों में मेरे गुरुजी आ रहे हैं, बोल रहे आओ आओ मेरे आश्रम में आओ। अच्छी बात है, होकर आइए। जाना तो होगा ही रे बेटी, गुरु दर्शन बहुत पुण्य का काम है। पर वो नजदीक तो है नहीं बेटी, सीढ़ी छोड़ के जाना पड़ेगा एकदम। इसके अलावा आना जाना गुरु दक्षिणा इस सब में खर्च भी तो बहुत है। कितना चाहिए? 4,000 में काम चला लूंगा। सुनो इन्हें कुछ पैसे दे दो। लीजिए। लौटा दूंगा बेटा जी, मुझे सब याद है। इसके अलावा तुम्हारा जो फिजूल खर्च है कुछ तो बचता नहीं है, बल्कि जो मैं ले रहा हूँ वो हमेशा मेरे पास जमा रहेगा। इसके अलावा मेरा जमीन जायदाद धन संपत्ति सब तो तुम ही लोग का है, तुम लोग ही तो मेरे अपने हो। पता नहीं क्यों आपके गुरुजी आजकल कुछ ज्यादा ही आपको याद करते। कर लो बात, समझोगी बेटी समझोगी, कुछ दिनों बाद सब समझ जाओगी। चलता हूँ बेटा जी चलता हूँ, इसके अलावा मुझे तैयारी भी करनी पड़ेगी, कल सुबह ही तो निकलना है ना। गुरुदेव मेरे दामाद जी का ऊपरी इनकम बढ़ा दो प्रभु। चलू बेटा। हाँ आइए। चलता हूँ बेटी।
अरे जीजा जी कर लो बात। साले साहब ए, सच धज के कहाँ चल दिए? पिक्चर 10 रुपए दीजिए। कर लो बात। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। माँ जीजा जी आए। देखो साला। माँ जी ठीक है ठीक है। आप कैसी हैं माँ जी? मैं अच्छी हूँ। आप अच्छे हो? हाँ अच्छे। अरे कौन है बे? मैं पिताजी आपका नादान बेटा। वो तो ठीक है, बाकी सूखा सूखी प्रणाम। कर लो बात। नहीं हुई? नहीं, सिर्फ प्रणाम प्रणाम होगा क्यों पिताजी? आपके लिए मिठाइयाँ भी लाया हूँ। लाए हो? लाओ, बहुत बढ़िया। आतो बबुआ जी, ये आना जाना ये कब तक चलेगा भला? लो बात। बिटिया की शादी करवाई, उसे लेकर तुम अपना घर बसाओगे? वो तो किया नहीं, उसकी भी खुराकी दूं? अब तुम जब तब आकर मेरी गोद में बैठ जाओ। कर लो बात। महीने भर का खर्च कितने हैं? 3000। अरे तक महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इसमें क्या होता है बबुआ? कहाँ है बिटिया? इधर आओ, देखो कौन आया है। देखो जा जा जा। अरे रुको रुको, इधर आओ आओ। इसे ले जाओ। इसे मैं क्या करूंगा? ले जाओ। ये तुम्हारा पाउडर, ये क्रीम, ये हेयर ऑयल, ये शैम्पू, और ये रहा लिपस्टिक। तुम्हारे लिए एक फूल। जाइए, आपसे मैं नहीं बोलूंगी। कर लो बात। क्या हुआ है ललिते? शादी करके भी यहीं पड़ी हूँ, घर में भी नहीं लेके जाते मुझे। क्या मेरे कोई अरमान भी नहीं है क्या? सारा दिन मैं अकेली रहती हूँ, सोचती थी कि जरा गाना सुन के वक्त गुजार लूं। मैं तुम्हें सारी रात गाना सुनाऊंगा ललिते। छोड़िए, आपका गाना कौन सुनेगा? तो फिर किसका गाना? रेडियो टेलीविजन का। विभीषण? टेलीविजन। होगा, सब होगा। रेडियो होगा, टेलीविजन होगा, घर होगा, सब होगा। सिर्फ तू मुझे अपने बाहों में जकड़े रहो। आओ ना, पास आओ। छोड़िए, पहले वो सब लाइए, फिर बात कीजिएगा। करो बात। चलिक, आलस बहुत बुरी चीज है। देखिए समझी जी, खुद एक नंबर का आलसी पंडिती कर रहा है। आलस बहुत बुरी चीज है। क्या हुआ? हाँ। अब लिख, हमेशा माता पिता को सम्मान करे। माता पिता का सम्मान करेगा? अरे ओ बेवकूफ, सुन, पहले खुद सीख, उसके बाद दूसरों को सिखा। तो क्या मैं सम्मान नहीं करता? माँ माँ, मैंने कभी आप लोगों को असम्मान किया? नहीं नहीं, आज इसका फैसला करना ही पड़ेगा। तुम्हारी माता रानी कौन सी कोर्ट की जज है जो? अब छोड़ो भी, वो तो पढ़ा रहा था, आप बीच में क्यों टोकने गए? जा बेटा जा, तू पढ़ाने जा। हमेशा मेरे पीछे। समझी जी, राम भक्त हनुमान के बारे में सुने हैं तो? और ये है माता भक्त हनुमान। ठीक है, आपको कोई आपत्ति है? अरे लिखना लिखना। आप भी। माँ, तुम्हारे लिए एक साड़ी और पिताजी के लिए एक धोती लाए, और इसमें मिठाई ले पकड़। हाँ मंजले भैया, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगेगी। देखे, अरे इन दोनों गधों का काम देखे,
अरे कितनी बार कहा है महीना मिलने पर बेकार खर्च मत किया करो। माँ सबको मिठाई देने की बंदोबस्त करो। ठीक है। बेकार खर्च ना करके पैसे को जमा करने की कोशिश करो, आगे काम देगा। और फिर मेरा भी तो रिटायरमेंट का समय आ गया है, जो भी हो तुम लोग आराम करो। अरे तुम लोग तो नसीब वाले हो कि ऐसे पिता मिला है। जाओ अंदर जाओ। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मुझे तो आपकी चरणों में रहनी चाहिए, आप तो बहुत नसीब वाले हैं जी। आपके वो दोनों बेटे खोसला एंड कंपनी में कितने बड़े अफसर हैं। इसके अलावा आपके छोटे बेटे को भी किसी भी वक्त नौकरी लग जाएगी। हाँ भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया है, सिर्फ गूंगी बेटी की चिंता है, जीभ के कारण बोल नहीं पाती है, कौन अपनाएगा उसे। सारी जिंदगी बिन ब्याही बेचारी दूसरे के कंधे पर बोझ बनकर रहेगी। आप इतना सोचिए मत। अरे वो कहावत है ना, ऊपर वाला ऊपर से ही जोड़ी बना के भेजता है। आज इतनी बड़ी मछली पकड़ूंगी ना, सब देख के रह जाएंगे। चल 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 चल। हाँ ये तो अजीब मुसीबत है। दाने डालते ही देखना बड़ी बड़ी मछलियाँ फंस जाएगी और तुम लोग जल्दी से समेट लेना बिल्कुल। हेलो मैडम, आप अपना ये सिस्टम थोड़ा बंद करेंगे? क्यों बंद क्यों करूँगी? टिकट खरीद के मछली पकड़ने आई हूँ। hey, और बढ़ा दो उसे, वहाँ पे रखो। अरे बदल गया ये जमाना, आया नया सेंचुरी, नया स्टाइल शुरू हुआ। आहा देखो देखो, फिशिंग करने आई मैडम। अरे फिशिंग करने आई मैडम, बजक टू इन वन। फिशिंग करने आई मैडम, बजक टू इन वन। मछली सारे डिस्को नाचे नाचे नौजवान। अरे मछली सारे डिस्को नाचे नाचे नौजवान। नाचे रे नाचे नौजवान, नाचे रे नाचे नौजवान। देख सको तो देख लो, देख सको तो देख लो नया ये डांस। देख सको तो देख लो नया ये डांस। गहरे पानी में मछली करे चांस पे डांस। गहरे पानी में मछली करे चांस पे डांस। देखो रे नया ये डांस, देखो रे नया ये डांस। अपनी आंखें टेढ़े देखे मुझे घूरे घूरे, चले अपने तेवर दिखा के। करके अपनी आंखें टेढ़े देखे मुझे घूरे घूरे, चले अपने तेवर दिखा के रे, चले अपने तेवर दिखा के रे। बहुत जैसे तेरे पीछे घूमे अरे गेरे, हम तो चले जलवा दिखा के। देखे बहुत जैसे तेरे पीछे घूमे अरे गेरे, हम तो चले जलवा दिखा के रे, हम तो चले जलवा दिखा के रे। सुनो रे तेवर लेके, जलवा लेके,
करेगी वो क्या क्या, हाँ तेवर लेके जलवा लेके करेगी वो क्या क्या। छिपकली और खटमल देखे, छिपकली और खटमल देखे, घूमे दुनिया सारा। देखो रे झट का खाके गला छोड़ के चीखे रे क्यों बेवड़ा, हाँ झट का खाके गला छोड़ के चीखे रे क्यों बेवड़ा। हम लोगों की साए के पीछे, हम लोगों की साए के पीछे मारे चक्कर पूरा। पानी में मछली करे चांस पे डांस, देखो रे नया ही डांस, देखो रे नया ही डांस। फिशिंग करने आई मैडम बजक ट्विन वन, मछली सारे डिस्को नाचे नाचे नौजवान, नाचे रे नाचे नौजवान, अरे नाचे रे नाचे नौजवान। भैरव, अरे ओ भैरव, आते हैं मालिक। अरे ये क्या छुट्टी, इसका क्या मतलब? छुट्टी हो गया और ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। सुन रही हो, छुट्टी हो गई, अब ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, अब घर में बैठे बैठे सिर्फ आराम और आराम करेंगे। अरे बाप रे, ओवर क्वालिफिकेशन। देखिए भाई, मैं तो खुद 12वीं पास हूँ, चाहता भी यही था। अब मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो मैं यहाँ नहीं रखूंगा। सॉरी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? और सिर्फ यही क्यों, किसी और जगह भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपकी योग्यता के अनुसार आपको जो पोस्ट मिलना चाहिए, मामा चाचा लोगों के सिफारिशी चिट्ठियों के बदौलत वो पोस्ट मुझ जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को मिल जाता है, और आप जैसे काबिल लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। नहीं नहीं बेटा जी, क्या करूं कहने से तो नहीं चलेगा। इतने दिन तुम्हारे पिताजी नौकरी कर रहे थे, घर अच्छा से चल रहा था, फिर अब तो नौकरी नहीं करते हैं। सुना है कि प्रोविडेंट फंड से पैसे लेकर पहले ही खर्च कर चुके हैं, इसलिए अभी से भी अगर तुम होशियार नहीं हुए तो देखना एक दिन तुम ही रोड पे आ जाओगे। खाने वाले भी तो कम नहीं, माँ बाप भाई बहन। समझाओ पापा समझाओ, मेरे बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं हो। लेकिन मैं उन लोगों को छोड़ तो नहीं सकता। सोच रहा था कि उन लोगों को ओल्ड एज होम में भेज दूं। कर लो बात, इसमें तो बहुत सारे रुपए लग जाएंगे, बल्कि वो लोग रहने से खाना बना पाएंगे, बाजार ला पाएंगे। हाँ। इसलिए मैं कह रहा था कि घर खर्च के आधे रुपए तुम्हारे छोटे भाई को देना पड़े, ऐसी व्यवस्था कर दूंगी। हाँ। आज हमने कर लो बात। ये कब लाए दामाद जी? परसों। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। रेडियो टेलीविजन का विभीषण, टेलीविजन कर लो बात, एक टेलीविजन भी नहीं ला पाए। नहीं नहीं, उसमें बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, ये चलेगा, ये चलेगा, यही चलेगा, बहुत बढ़िया। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, चोरी चोरी दिल बना। कर लो बात, कर लो बात। प्यार हुआ
मुझे हाय प्यार हुआ है मुझे, जादू कोई कर गया है प्यार हुआ है मुझे, प्यार हुआ मुझे हाय प्यार हुआ है मुझे, जादू कोई कर गया है प्यार हुआ है मुझे। गोरी गोरी जान चकोरी मेरी धर्म पत्नी, ताल ताल पे कितनी अच्छी डांस करती है देखो ललिता। छोड़ी, घर कहाँ है? घर कर लो बात ललिता, घर तो कोई रेडियो नहीं है कि चादर में छुपा कर ले आऊंगा। होगा होगा सब होगा, घर होगा, गाड़ी होगा, तुम्हारे गोद में वाह वाह होगा। बस बस, वो सब की जरूरत नहीं, घर चाहिए घर, पहले घर बनाना फिर आना। ललिता कर लो बात, चोरी चमारी करके इतना कुछ लाता हूँ फिर भी उसका मन नहीं भरता, अब जीत कर रही है घर। रेडियो क्या चल सकता है, क्यों और कहीं चला जाएगा? हाँ बोल बोल, किसने लिया? जरूर किसी ने लिया, बोल बोल किसने लिया, किसने चुराया? बड़ी बहू, बोल बड़ी बहू, बोल किसने लिया, बोल किसने चुराया, बोल। तुम इसे क्यों पीट रही हो? आप ज्यादा प्यार मत जताइए माँ जी, परसू ले आए रेडियो, एक ही दिन में गायब हो गया। इसने तो नहीं लिया ना? किसने लिया वही तो जानना है। क्यों नहीं देखा तूने? हाँ क्यों नहीं देखा? क्या हुआ भाभी? देखना, परसों एक नया रेडियो खरीद के लाए, सोचा था थोड़ा गाना वाना सुनेंगे रात को। हाय राम, घर में नहीं है रेडियो, पूरा गायब। घर में तो लोगों की कमी नहीं है, जिसने लिया है वो क्या खुद कहेगा? मैं भी नहीं छोड़ूंगी, रेडियो निकाल के रहूंगी। रेडियो को निकाल के रहेगा मतलब? वो रेडियो चोरी हो गया पता है। अरे ये तो बहुत प्रॉब्लम है, आज रेडियो गायब कल कुछ और। गायब बोलने से चलेगा? घर का कोई नहीं लिया तो कौन लिया बताओ? बड़ी बहू, घर के लोग मतलब मैं, तुम्हारे ससुर, अजय और मिली, तुम बोलना चाहती हो कि हम लोगों ने लिया है? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिसने भी लिया है पकड़ा तो जाएगा। कर लो बात, वो रेडियो मैं ढूंढ के ही रहूंगी। क्यों रे इतना चिल्ला मिल्ली क्यों कर रही हो? देखो ना, हाँ, क्या घर से नया रेडियो गायब हो गया। छी 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 छी, तू मेरी बेटी होकर एक रेडियो के लिए इतना शोरगुल कर रही हो, तुम मेरा नाम मिट्टी में मिला दोगी। खैर छोड़ो बेटा जी, ऑफिस से थका मरा आए हैं, इसे भीतर ले जाके चाय वाय पिलाओ, जाओ जाइए बेटा जी भीतर जाइए। तू चिंता मत कर बेटी, ओ गुरुदेव को बोलकर ऐसा कोई व्यवस्था करूंगा ना कि उस चोर बेचारा तो एकदम साफ हो जाएगा। जा अंदर जा, अंदर जा जा। समझी नहीं, जाइए आप भी भीतर जाइए। अरे इन सब बातों में ध्यान मत दीजिए, जाइए भीतर जाके भगवान भजन कीजिए, जाइए। कर लो बात। क्या संधि जी, आज घूमना फिरना बड़ी देर से खत्म हुई है। क्या करें संधि जी, ठीक से नहीं घूमेंगे तो भूख ही नहीं लगेगी। कर लो बात, रिटायर लाइफ और भूख भरा के क्या फायदा। बड़ी बहू, तुम्हारे ससुर जी को हॉर्लिक्स देके जाओ, सुनिए हॉर्लिक्स पी के बाजार लेके आओ। इतनी परेशान क्यों हो रही हो, थोड़ी देर रुको तो सही, जैसे पैसे लेने पड़ेंगे। कुछ दिनों से मेरे पापा का तबीयत अच्छा नहीं जा रहा है, तो अब से पापा हॉर्लिक्स पियेंगे और आप चाय। हाँ हाँ ठीक है बहू, ठीक है ठीक है। अजय, आइए माँ, क्या बात है? माँ कितने दिन बाद आप मेरे कमरे में आए, मुझे तो पराया ही कर दिया। ये मत बोल बेटा, ये मत बोल। पता है माँ, पता है, माँ कभी अपनी संतान को पराया नहीं करती है, कुसंतान होता है अजय, लेकिन कुमाता कभी नहीं होती।
आपको हुआ क्या है माँ? एक नौकरी नहीं ढूंढ सकता बेटा। कोशिश तो कर रहा हूँ माँ, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा है। दिल्ली से एक इंटरव्यू के लिए बुलाया है, देखता हूँ क्या होता है। जल्दी से कुछ कर बेटा। माँ थोड़ी देर मेरे पास बैठिए ना। कितने दिन आपकी गोदी में सर रख के नहीं सोए, आज थोड़ा सोने दीजिए। सबको पढ़ाई हो जाने दे, पर तू पढ़ाया मत होना बेटा, पढ़ाया मत होना। अच्छा माँ, क्या मैं कोई पढ़ाया हूँ जो ऐसे कह रही हो? कह नहीं सकती बेटा, कह नहीं सकती। कौन अपना कौन पढ़ाया, मैं कुछ नहीं कह सकती बेटा, कुछ नहीं कह सकती। कर लो बात। अरे भानु तू कैसा है? अच्छा नहीं हो भाई, एकदम नहीं। क्यों क्यों? और कुछ मत पूछ भाई, अपने खानदान के चश्मो चिराग को लेकर बहुत परेशान हूँ। कर लो बात, जंजीर बांध दे। देखना तेरा बेटा बीवी के प्यार में वेरी गुड बॉय हो गया है। लेकिन मेरे भाई, मेरे नालायक बेटे को कौन अपनी लड़की देगा? देगा, देगा। सुन, मेरी पहचान की एक लड़की है, अति अच्छा? सुंदर, पर एक छोटा सा दोष है। कैसा? मतलब कि बात नहीं कर सकती है, गुंगी। अरे शादी तो होगा पैसे से, लड़की से नहीं। सच? कितना मिलेगा? कितना चाहिए बोल। मतलब 15,000? नहीं 20,000, और साथ में कुछ गहने भी। होगा होगा। पक्का? पक्का। सच में समधी जी, मेरी मिली बिटिया की? कर लो बात, इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूँ। मैंने लेन देन की बात पक्की कर ली है, ज्यादा कुछ नहीं देना पड़ेगा, कुछ गहने और 50,000 रुपए। 50,000? नहीं नहीं, दहेज नहीं, दहेज नहीं समधन जी। लड़के ने नई बिजनेस शुरू किया है, पैसे की कमी से बिजनेस बढ़ा नहीं पा रहा है, इसीलिए। सुनिए, गहना तो जो मेरे पास है मैं दे दूंगी, पर रुपए? आपको तो पता है समधी जी, संपत्ति के नाम पर मेरे पास सिर्फ ये घर है। समधी जी, कन्यादान महादान, मैं होता तो पैतृक घर को बेचकर ही गंगा नहा लेता। लेकिन घर बेच देने के बाद हम लोग रहेंगे कहाँ? बच्चों के लगे रस्ते में खड़ा होना पड़ेगा। लड़का अच्छा है इसीलिए बोला। बेटे जी, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अपने पिता को 50,000 रुपया दे ही दो, वो भी तुम लोगों के नाम घर लिख देंगे। क्यों समधी जी? अपना घर अपना ही रहा और मिली बेटी की शादी भी हो गई। ये आपने अच्छा कहा है पापा। हाँ, हम लोगों को भी घर छोड़ना नहीं पड़ेगा अब। कर लो बात, कितने समझदार है ये सब। लेकिन अजय अभी घर में नहीं है, वो तो दिल्ली गया है। कर लो बात, वो अभी बच्चा है, उसे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अपना घर अपने पास ही तो रहा। छोड़ो भी, लड़के के बाप को खबर करता हूँ। क्यों, कहा था ना लड़की अति सुंदर है। मैं राजी हूँ। पर लड़का राजी नहीं हुआ तो? कर लो बात। बेटा जी, वो तो अभी बालक है, पिता के कहने से उठता है, पिता के कहने से बैठता है। तो फिर 5 तारीख को क्या कहते हैं समधी जी, तब तक अजय बेटा भी आ जाएगा। लेकिन कहने और रुपए? कर लो बात, बात तो तय है, शादी में मिल जाएगी। एक प्रार्थना और है, शादी मेरे घर में होगी, पुत्र वधु को हम ही ले जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप सब मेरे घर पे आएंगे। क्यों जी, सुन रही हो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तुम वहां जाके ही कन्यादान करना। शादी का इंतजाम यहाँ करके अच्छा किया। नहीं तो तुम्हारे बेटे में जो गुण है, पता चलता तुम्हारा बेटा शराब में चूर होकर शादी के मंडप में बैठा है। अरे इसीलिए तो ये सब कारनामा किया है। चलो अब माल निकालो भाई,
कर लो बात, मैं क्या भागा जा रहा हूँ? जल्दी करो, तुमसे और रहा नहीं जा रहा है। ये लो 10-20, तुम्हारे साथ मेरा लेन देन खत्म। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं जरा उसे खिला पिला के अंदर भेजता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। कर लो बात, 50 से 20 देने पर बचा 30। ललिता, तेरे घर की व्यवस्था मैं करूंगा ही। ललिता, मुझे दुनिया वालों शराबी नसम। क्या रे, बिना हिलने डुलने वाली दारू की बोतल लो लो, जरा देखो ना सैंपल कैसी है। तब तो ठीक से देख ही नहीं पाया। इशारे में क्यों बोल रहे हैं, मुंह से नहीं बोल सकती। ये क्या रे, ये तो बाबा कुंगी। हाँ, साले ने खोटा सिक्का मेरे हाथ में पकड़ा दिया। पापा, पापा, क्या बात है मेरे लाल? ए पापा, तुम ये खोटा सिक्का मेरे सर पे डाला क्यों बोलतो? रुपए है, पूरे 5,000 गिन लो तुम्हारे लिए। अच्छा, ये बात तो पापा, तो सच बोल कि इसमें से तूने कितने पैसे मारे? मैया काली की सौगंध, पूरे 5,000 ही मिले हैं। है तो, तू एक माल है माल। जा, तुझे बिना किसी सजा के छोड़ता हूँ। मुझे छोड़ दिया। जा, छोड़ दिया। अरे बाबा, तेरे बाप के पास तो बहुत माल है। 5,000 रुपया दिया है। अरे ये तो साथ में सोने का चेन भी दिया। सुन, कल सुबह तू अपने बाप के घर जाएगी और अपने बाप से 10,000 रुपया लेके आएगी। ठीक है, अगर नहीं लेके आई इसे मारूंगा, अपने बाप का नाम भूल जाएगी। हट। सुबह से इतना क्या सोच रहे हैं आप? अमला बेटी की कैसी जगह शादी कर दी, नई जगह नए लोग, कैसे संभाल पाएगी क्या जाने। अजय, कहाँ जा रहे हो तुम? इंटरव्यू देने। वापस आने वक्त मिली को एक बार देखता आएगा बेटा? ठीक है। ये क्या रे, इतनी जल्दी तो अपने बाप के घर से वापस भी आ गई? अरे बाबा, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। निकाल पैसे। क्या गई नहीं? क्यों नहीं गई तू? तुझे क्या लगा मैं तेरे साथ घर बसाऊंगा? तू यार रहेगी सिर्फ माल के लिए, माल माल। अपने बाप के घर जाएगी, रोकड़े लेकर आएगी, मैं माल खाऊंगा और ऐश करूंगा। क्या नहीं जाएगी? उठ, नहीं जाएगी। अरे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। मनीष, ये मेरे बहन के ऊपर हाथ उठाया, तेरा हाथ मैं तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तेरा हाथ मैं तोड़ दूंगा। क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुस के मेरे ही बेटे को मारते हो? निकल जाओ, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से अभी। आप जैसे बेगैरत के घर में मैं रहने नहीं आया हूँ। अगर मुझे पता होता कि आपका बेटा एक शराबी एक आवारा है तो मेरे बहन का मैं गला घोट देता, लेकिन मैं इस घर में उसकी शादी कभी नहीं करवाता। चल चल मेरे साथ। माँ, माँ,
मिली? नहीं बेटी नहीं, नहीं रोते बेटी, नहीं रोते। उसे ले आया? तो क्या करता? एक असुर के हाथ में आप लोगों ने उसे दे दिया था। असुर के हाथ में? मतलब? इसकी, इसकी यह हालत देखने के बाद भी आप मतलब पूछ रहे हो? हमारा सिर्फ एक बहन है, क्या वो हमारे लिए बोझ बन गई थी? जो बात नहीं कर सकती है, कुछ मांग या बोल नहीं सकती है, उसको एक शराबी मवाली के हाथों सौंप दिया था आप लोगों ने, जो उसके भाई के सामने उसके ऊपर हाथ उठाने की जरूरत करता है। बेटा जी, शादी के बाद पति पत्नी में थोड़ा बहुत नोक झोंक तो होता रहता है, इसका मतलब? चुप हो जाइए, आप ही इन सब की जड़ है, जैसे आप है वैसे एक पकड़ के लाए। देखो 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 बेटा जी, झगड़ा हुआ था, हम लोग मिल मिलाप करते, तू क्यों लेके आया? ठहरो तुम लोग, मैं खुद को ही व्यवस्था करता हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मिली को मैं वहाँ कभी भेजने ही नहीं दूंगा। नहीं नहीं बेटा जी, ये तो तुमने ठीक नहीं किया, इतना बड़ा परिवार, कितना मुश्किल से उसे विदा किया, अब शादी के बाद भी अगर उसका बोझ सहना पड़े। बोझ? किसका? आपका या आपके दामाद का? पता नहीं कितने सालों से आप खुद इस घर में बोझ बन के बैठे हैं और इस घर की बेटी को आप बोझ बोल रहे हैं। अजय, किसको क्या कह रहा है? सुनो बेटा जी सुनो, चुप हो जाइए, और अगर एक लफ्ज भी बोला तो धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे आपको। क्या, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत? मेरे ससुर को तू बाहर निकाल देगा? क्यों क्यों ना बोलूं? जा जा तुम अंदर जा। अरे वो खुद बोझ है, मेरे बहन को बोझ बोल रहा है, बेगैरत इंसान। अगर वो बोझ है तो तू क्या, तू भी इस घर का बोझ है। मैं बोझ हूँ? हाँ हाँ तू एक बोझ है। आज मैं सब राज खोल दूंगा, सब बोल दूंगा। नहीं नहीं जय, नहीं नहीं, मैं माँ हो के तेरे सामने हाथ जोड़ती, तू चुप हो जा। सुनिए सुनिए, आप उसको चुप रहने बोलिए। रुक जा बेटे, रुक जा। नहीं, हर चीज की एक हद है, वो जिसे जब जो चाहे कहेगा और हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों, किस लिए? जिसके साथ हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, हमारे टुकड़ों पर पला हुआ है, हमारे पैसे से पढ़ाई की, और इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों? तो फिर मैं कौन हूं पिताजी? मेरा परिचय क्या है पिताजी? माँ, माँ 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 बोलो ना माँ, मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है, बोलो ना माँ। तू मेरा बेटा, तू, मैंने तुझे छोटे से पाल पोस के बड़ा किया, तू मेरा बेटा है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तू मेरा बेटा है। माँ, माँ आप मेरे सर पे हाथ रख के बोली कि मैं आपका बेटा हूँ, बोलो ना माँ, चुप मत रहो माँ, बोलो ना माँ। इसका मतलब, इतनी देर तक मैंने जो सुना सब सच है, मैं आप लोगों का कोई नहीं हूं, मैं एक लावारिस हूं। आप लोगों ने मुझ पे दया करके मुझे पाला है, नहीं मुझे तब पढ़ाया लिखाया। नहीं अजय, कोई दया कोई मोह नहीं। तो फिर आपने क्यों मुझे इतना स्नेह इतना प्यार देके बड़ा किया, बोलिए किस लिए? या फिर मैं आपके परिवार में किसी की पाप की निशानी हूं? अजय, तुम मेरी बहन के बेटे हो। मेरे माँ बाबू जी कहाँ हैं? कोई भी जिंदा नहीं है। तुम लोग बांग्लादेश से हो, बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के वक्त दोनों को यहां आना पड़ा, उसके बाद वो तुम्हारी मां को मेरे पास रखकर मुक्ति युद्ध के लिए चला गया। उस समय तुम मां के पेट में थे, तुम्हारे पिता गए तो लौट कर भी नहीं आए। एक दिन खबर मिली युद्ध के वक्त गोली लगने से मौत हो गई। तुम्हारी मां की हालत और भी बिगड़ गई। तुम्हारे जन्म के बाद
जय की माँ के हाथों में तुम्हें देते हुए बोली, मैं जानती हूँ भाभी, मैं और नहीं रहूंगी। तुम लोग खामखा ही कोशिश कर रहे हो। तुम लोग मेरे बेटे को अपना लो। तुम लोग अपने हिसाब से इसे पालना, इसको अपना बेटा बना लेना। वादा करो भाभी, बोलो भाभी, इसे तुम अपना ही बेटा बना लोगे? करेंगे बहन, करेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मेरा बेटा नहीं है। मैं वादा करती हूँ बहन। बहन तो मेरी मर गई, तब से हम लोगों ने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, ये सच है, पर भगवान के सौगंध खा के कहती हूँ, जय विजय से हमने तुझको कभी अलग करके नहीं देखा। इस घर में उनका जितना अधिकार है, उतना अधिकार तेरा भी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं अपना खून देके भी आप लोगों का कर्जा नहीं उतार सकता। मैं जितना दिन जीऊंगा आप लोगों को ही माता पिता मानूंगा। मुझसे जी हाँ, कभी मत छीनना आप लोग। अजय, इतने सालों से जो बात मैंने किसी को नहीं बताई, वो बात तूने एक ही पल में सबको बता दिया। ये तूने क्या किया जय, ये तूने क्या किया? बचाओ! अरे ये तो चोर के ऊपर चोर आ गया। अरे गधे, गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी। पैसे गए तो गए, जान बचने और लाखों पाए। भागो, जल्दी भागो। हे भगवान, किसका मुंह देखा निकला था। ये लो, इतना मेहनत से माल बचाया और मालिक ही भाग गया। छोड़ो। अरे बाप रे, जिंदगी में इतना एक साथ कभी नहीं दिखा था। क्या करूं? विजय खोसला, 17A चेंबूर, सेक्टर 2, मुंबई 71। हेलो हेलो सर 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 सर, क्या हुआ? भागिए सर, भागिए। क्यों, क्या हुआ? सर वो डाकू, डाकू फिर से आ गया। कहाँ है डाकू? यहाँ पर है सर, अभी मेरे आते वक्त है सर। छोड़ दू ये सच्चे, अपने हाथ में मेरा बंदूक लेकर आ। अब बंदूक नहीं था मेरे हाथ में, इसलिए बच गए। अब आने दो। यस सर, अब सबक सिखलाऊंगा उन्हें। राजा, क्या हुआ माय बाप? शिवचरण
महंत। जी भाई बाप, डाकू घुस आए हैं, सावधान। छोटू बंदूक लेकर आ, बंदूक। अब मजा से खाऊंगा। घर पे कोई है? कोई नहीं है। आप कौन हैं? खोसला, विजय खोसला। रास्ते में डकैती करके मजा नहीं आया तो घर में घुसा है, हैं? बताओ। रुकिए, डकैती मैंने नहीं किया, बल्कि उनके हाथों से आपका ब्रीफकेस मैंने बचा के लाया। प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया है बरखुरदार, खाली ब्रीफकेस लाकर भर के ले जाना चाहते हो? बताओ। नहीं, ये खाली नहीं है, भरती है। पकड़िए बबुआ। छोटू, अरे वो कलुआ, जा जाके ब्रीफकेस लेके आ। जाओ, जाना। डरने की कोई बात नहीं ना? नहीं। लीजिए सर। एक लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख। अरे ये तो सही है। चलता हूँ। रुको। इतने सारे रुपए तुमने लौटा दिए? किसी और की चीजों पे मैं कभी लालच नहीं करता हूँ सर। तुम्हारे जैसा आदमी तो पहले कभी नहीं देखा। हम लोग भी नहीं देखे। सॉरी सर। क्या नाम है तुम्हारा? अजय, अजय गांगुली। अजय, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। तो बेटा क्या करते हो? अभी भी कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन करने की कोशिश में। नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना? हाँ जी। हो जाएगा, हो जाएगा। तो कहाँ तक पढ़े हो? अब उससे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो मैं यहाँ नहीं रखूंगा। सॉरी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्या हुआ? सर ज्यादा दूर नहीं, 5-6। ठीक। इंसान की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है उसकी सच्चाई, जो कि तुम में है। तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम मेरे साथ रहोगे। आपके साथ? क्यों, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? मेरे यहाँ काम करने में क्या खराबी है? नहीं नहीं, मगर। नो नो, अगर मगर। इन्हें देखो, इस घर के सारे मुलाजिम कामचोर हो गए हैं। हाँ, ये इन्हें देखो, दरवान है, खड़े खड़े सोते हैं। ये माली हैं, फूल चोरी करके सुंदरियों में बांटते हैं। उन्हें देखो, महंत रसोइया हैं, पकाते कम खाते ज्यादा हैं। और उन्हें देखो, ड्राइवर, ये ड्राइवर पेट्रोल चोरी करके डीजल के भाव बेचते हैं। और ये है छोटू, बाजार जाते हैं तो अपनी बोनी पहले कर लेते हैं, सबकी। सबकी पंखी बजाऊंगा। तुम हो आज से मेरे पीए, यानी पर्सनल असिस्टेंट, चीफ दरवान टू कैशियर। चलो, रहने का एक जगह तो मिला। क्या हुआ? वो चीफ दरवान टू कैशियर। मुद्दे की बात ये हुई कि आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। हाँ, ठहरो। ये लो 50,000, 1 महीने का खर्चा। आज से इन सब का तनख्वाह तुम दोगे। मगर ये मत समझना कि मेरे पैसे वापस लाए हो तो ये रुपए देके मैं तुम पे विश्वास कर लूंगा ना। बाई बाई का हिसाब लूंगा, उसके बाद तुम्हारी तनख्वाह ठीक करूंगा। ठीक है सर। और सुनो, किसने रुपए मांगे तो दानवीर कर्ण मत बन जाना। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, बहुत जरूरी है या नहीं, सब जानबूझकर फिर पैसे देना, समझे? छोटू। यस यस सर। उस नीचे के कमरे में इनके ठहरने का बंदोबस्त कर। ओके सर। और सुनो, इन रुपयों में से 1,000 रुपए निकाल कर ढंग के कपड़े खरीदो, दिखने में तो भीख मांगने लगते हो तुम। चलिए चलिए जी भैया, चलिए। आप लोग खड़े क्यों हैं? अब जाइए। और हाँ, आगे से सावधान रहिए। हाँ, चीफ दरवान से लेकर कैशियर तक, आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। चीफ दरवान टू कैशियर, अजीब सी नौकरी है। अभी पावर कट होना था। अरे अमीरों के घर में कितना गर्मी होता है यार। दादा,
इंसान है, खड़े खड़े सोते हैं। अच्छा रुको बेटा, आज तुम्हें मजा चखाता हूँ। चोर चोर दरवान दरवान चोर 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 चोर, अरे मैंने चोर पकड़ा है, चोर चोर चोर, जल्दी बाहर आओ, चोर, अरे दरवान चोर, छोटू छोटू छोटू, यस सर, बंदूक बंदूक ले खड़ा है सर, चोर, जितना भी हाथ पैर मार लो मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो मैं पुलिस के हाथ में तुम्हें देख ही रहूंगा। अरे कहाँ गए सब लोग, मैं चोर पकड़ा हूँ, चोर कहाँ है, चोर कहाँ है, चोर भाई सर सोठी में, ये देखिए सर, लाओ लाओ मेरे नजदीक लाओ, ये देखिए सर एकदम रंगे हाथ पकड़े हैं, ये क्या डैडी, तू डैडी मुझे बहुत गर्मी हाँ। लग रही थी इसलिए मैं वहाँ पे जाके खड़ी हो गई और इस गुंडे ने मुझे, hey, I will shoot you. इतने रात को इन कपड़ों में एक लड़की यहाँ खड़ी रहेगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था सर, इसीलिए गलती से पकड़ लिया था। ये बात है, अरे बिटिया तू अपने कमरे में जा, इसे मैंने आज ही नौकरी दी है, वेरी गुड बॉय, तू तो थी नहीं यहाँ पे इसीलिए तुझे पता नहीं। अरे बरखुरदार, ये है मेरी इकलौती बेटी, मेरी ओनली डॉटर। हाँ नमस्ते। आप तुम इसे पहचानती हो बेटी? जरूर पहचानती हूँ, उस दिन मछली पकड़ने गई थी और इसने जो कुछ किया। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुमसे गलती हो रही है बेटी, ये उस तरह का लड़का नहीं है। इम्पॉसिबल, इस गवार को तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कितना खुशनसीब हूँ, आप मुझे जिंदगी भर याद रखेंगी। शट अप, किसने कहा तुम्हें यहाँ आने के लिए? ये लो, आपके पापा ने तो मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी और वही तो निभा रहा था मैं, और आप बोल रहे खबरदार, और एक जरा चुप चाप ना तो मैं गोली मारूंगा। ऐसा मत, ऐसा ऐसा गजब मत करो, अपने कमरे में जाओ, चलो चलो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। यंग मैन, तुम गलत मत समझना, मेरी इकलौती बिटिया है ना, इसीलिए थोड़ी नकचढ़ी है। थोड़ी नहीं सर, बहुत ज्यादा, एकदम हिटलर की नानी। चलो चलो बिटिया अपने कमरे में चलो चलो। कुछ समझा जाए भैया? क्या वो जो गई एकदम साइक्लोन? विजय थोड़ा इधर आना बेटा, बोलो। कल से तेज बुखार है, दवाई नहीं है। नहीं है तो मंगवा लो, पैसे देते तो बोलने से ही हो जाता। लीजिए, आप ये दूध पी लीजिए। रहने दो प्रभा, बच्चे लोग दूध पी लेंगे। आप पी लीजिए ना, उन लोगों का है, पी लीजिए। वही तो मैं सोचू, दूध इतना कम क्यों पड़ता है, ऐसे हर रोज चोरी करने से। चोरी क्यों करूंगी बहू, तुम्हारी ससुर की तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए। मुझे बिना बताए दूध लेके आए, इसको चोरी नहीं। बड़ी बहू क्या बोल रही है? चुप रहिए, आपके पैसे से ना खाते हैं ना पहनते हैं। फिर क्या हुआ? देखो ना, दिन दिन खर्च बढ़ रहा है इसीलिए थोड़ा दूध कम लाती हूँ। बच्चे लोगों को ठीक से दूध नहीं मिलता है इसीलिए माँ जी को बोल रही थी कि उतना सारा मत दीजिए। क्या बताओ, मैंने बोलते ही तो पूरा आफत ही आ गई। तुम लोगों का दिल इतना छोटा हो गया है। छे। सुनिए, ये क्या वही जय है जो तुम्हारे लिए हॉर्लिक्स लाया करता था? तुमने ही पीने से वो गुस्सा होके बोलता था,
कि उनके कमाई के पैसों से तुम नहीं पीना चाहते। ये क्या मेरा वही जय है? इस जय को तो मैं नहीं पहचानती। चुप रहो प्रभा, अब कभी दूध नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं। नौटंकी देखो इसका। मछली बहुरानी, वे तुम्हारे ससुर हैं, उन्हें ऐसा मत बोलो। ए, नौकर नौकर की तरह रहे, तुझे बोलने के लिए किसने कहा? विजय, जिसने तुझे बचपन से संभाला आज उसी के ऊपर हाथ उठाया। ईश्वर करे तेरा ये हाथ टूट के गिर जाए। नहीं मालिक नहीं, उन्हें अभिशाप मत दीजिए, अभिशाप मत दीजिए। मछली बाबू ने ठीक ही किया है, जहाँ माता पिता का सम्मान नहीं तो आप मुझ जैसे मामूली नौकर की क्या औकात। मैं तो कहता हूँ मुझे छुट्टी दे दीजिए मालिक। यार करोड़ आप लोगों को और अपमानित होते नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। बल्कि बल्कि मुझे आज्ञा दीजिए मालिक, चलता हूँ। ओ डैडी, मुझे 1000 रुपए दीजिए ना। हाँ तो जाओ मांग लो अजय से। उससे मांगना पड़ेगा मतलब? मैडम, वही इस घर के कैशियर है, उनके सामने हाथ फैलाने होंगे। ये क्या कर दिया तुमने? मुझे उससे ये तो मैंने अपनी सुविधा के लिए किया है। कहाँ क्या खर्च कर बैठता हूँ मुझे खुद याद नहीं रहता। जाओ जाकर अजय से ले लो, जाओ। मामला गंभीर है। कैसे समझा? देखा नहीं कैसे कैशियर के नाम सुनते बिजली की तरह कड़क पड़ी। चल चल कर देखते हैं कि मामला कहाँ तक आगे बढ़ा। दे सकता हूँ, 1000 क्यों, 5000 भी दे सकता हूँ, लेकिन इतने सारे पैसे की आप करेंगी क्या? अब इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। देखिए मेरे ऊपर हुकुम है, पैसा किस काम के लिए चाहिए और वो काम इतना जरूरी है भी या नहीं ये जान के देने के लिए। तो क्या मेरे डैडी के पैसे मैं मांग रही हूँ? और डैडी डैडी, अरे अब क्या हो गया? इसकी हिम्मत तो देखिए, मैं इससे पैसे मांग रही हूँ और ये मुझसे हिसाब मांग रहा है। What? मेरी इकलौती बेटी और तुम उससे जवाब तलब करते हो? I will shoot you. वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिजूल का खर्च करने के लिए मैं पैसा नहीं दे सकता। फिजूल का खर्च मतलब? फिजूल का खर्च नहीं तो क्या, जानते हैं 1000 रुपए में गरीबों का कितना दिन चलता है? और आप अपने दोस्तों के साथ मिलके एक दिन में पूरा पैसा उड़ाएंगी, ऐसा नहीं चल सकता। हाँ, सत्य वचन। डैडी! नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि उसने पहली बार हाथ फैलाए हैं तो दे क्यों नहीं दे रहा है? चुप! ठीक है, आप सब मिलके जब बोल रहे हैं तो आज दे देता हूँ, पर सुनिए आगे से इतना सारा पैसा एक साथ देना मेरे लिए संभव नहीं है। शट अप, गवार कहीं का। बरखुरदार इतना तेज मत खींचो कि लगाम टूट जाए। आप फिक्र मत कीजिए सर, लगाम तो मेरे हाथ में है ना। ये उठ उठ चल उठ, नहीं खाना है तुम लोग। क्या रे क्या हुआ? क्यों हम लोग के संसार में पैसे नहीं देते? मेरे बेटे के लिए कांटा और तुम्हारे बेटे बिल्ली की तरह मछली खा रहा है। क्या तूने मेरे बच्चों को बिल्ली बोली? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। आ आ देखती हूँ मैं कौन किसका मुंह तोड़ता है। तू जलील औरत। रुक रुक, बहुत दिन से तुझे देख रही हूँ, आज तुझे मजा चखाती हूँ। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तेरा तो जुबान खींच लूंगी मैं। शाबाश शाबाश बेटी शाबाश, बाप का नाम रोशन करना। जो बाप ऐसे निकम्मे होते हैं उसके बेटी बाप का नाम तो रोशन ही करेगी ना। क्या बोली तू? हाँ डायन, छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। क्या करती हो? मार दूँगी तुझे। क्या कर रही है, क्या कर रही है आप लोग? क्या कर रही हो तुम लोग? अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ उधर जाओ। आने दे उन्हें एक बार, आज देख
तेरा क्या हाल बनाती हूँ मैं? देखूंगी कौन किसका हाल बनाता है। हाँ। देखने दिखाने की क्या बात है भाई? आओ बेटा जी आओ, देखो बेटा जी तुम्हारे भाई के पत्नी का हिम्मत तो देखो। मेरी बेटी का बाल नोच नोच कर गंजा कर दिया, मेरी बेटी को पीटा। हाँ? क्या हुआ? तेरी बीवी की इतनी बड़ी हिम्मत? जय विजय तुम लोग अंदर जाओ बेटा। नहीं पिताजी, आज इसका विचार होकर ही रहेगा। तेरी बीवी ने तेरी भाभी के ऊपर हाथ उठाई। झूठ बोल रहा है ये, तुम्हारे भाभी मेरा गला दबा रही थी। कर लो बात, झूठ झूठ बोल रही है। चुप रहिए, हम लोगों के बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं? चुप, जूते से मुंह सीधा कर दूंगा। जूते सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। क्या क्या बोला? पागलपना मत कर बेटा। विजय चुप हो जा बेटा। हट जाओ माँ, आज मैं हरामजादे को खत्म कर दूंगा। आपस में मत लड़ो बेटा। नहीं वो मेरा दुश्मन है। तू मेरा दुश्मन है। गया गया, जोर नार कर ये संसार और नहीं चलेगा। हाँ मैं भी नहीं चाहता, मैं भी अलग रहूंगा, मैं भी अलग रहना चाहता हूँ। विजय तो फिर यही बात पक्की रही, जय के पास रहेंगे तुम लोगों के पिता और विजय के पास रहेंगी तुम लोगों की माँ, और तुम लोगों की बहन एक महीने रहेगी विजय के पास और एक महीने रहेगी जय के पास। कर लो बात, धन संपत्ति के तरह बाप माँ का भी बंटवारा हो गया, अब रह गया सिर्फ घर के बीचों बीच एक दीवार। ख्वाहिश थी प्यारा सा सुंदर एक घर, ख्वाहिश थी प्यारा सा सुंदर एक घर। कसूर क्या हुआ मुझसे, कसूर क्या हुआ मुझसे, नसीब ने दी ठोकर, टूट गया मेरा घर, टूट गया मेरा घर। ख्वाहिश थी प्यारा सा सुंदर एक घर। साथी ने छोड़ा साया, हो गया ममता माया, साथी ने छोड़ा साया, श्राप की ये दीवार आगे, श्राप की ये दीवार आके अपने हुए पराए, हाय टूटा मेरा घर,
घर ऐशी प्यारा सा सुंदर केक घर कसूर क्या हुआ मुझसे कसूर क्या हुआ मुझसे नसीब ने दी ठोकर टूट गया मेरा घर टूट गया मेरा घर ख्वाहिश थी प्यारा सा सुंदर एक घर रामेन मैं उर्मी बोल रही हूँ अच्छा बाबा मैं गाड़ी लेके जाऊंगी आप सब लोग यहाँ पे आ जाओ हाँ मैं रेडी रेडी और हाँ नीता जा रही है ना ओके ओके बाय सी यू किसको चाहिए बाबूजी मेम साहब को जाके बोलो रमेन और रजत आए हैं जी सुन रजत उर्मी अगर पूछती है कि नीता कहाँ है तो कह देना कि वो लोग चले गए ठीक है वैसे तो बोला है पिकनिक मनाएंगे बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है मुझे पता है कि उर्मी मुझे पसंद नहीं करती है नीता जा रही है इसलिए वो भी जा रही है बहुत दिनों का ख्वाहिश है कि उर्मी को एंजॉय करूं इस बार ये मौका छोड़ूंगा नहीं कक्षेंग में चांस नहीं मिला दिस इज द लास्ट चांस अगर इस बार छूट गई तो लाइफ उसको एंजॉय करने का चांस नहीं मिलेगा कहां जा रही है मतलब मैं जानना चाहता हूं कि आप कहां जा रही है देखो मेरे पर्सनल मैटर में टांग मत अड़ाओ नहीं तो घर से निकलवा दो देखिए मैं बस बोलना चाहता हूँ कि आप जिनके साथ जा रही है उनके साथ अगर आप ना जाए तो तुम यहाँ से जाओगी या नहीं इडियट आओ आओ क्या बात है तुमने कहा था पिकनिक है यहाँ तो कोई भी नहीं है नीता और बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो लोग जाम में फंसी हुई है आ जाएंगे अभी बैठो ना बैठो चा सिगरेट का पैकेट तो गाड़ी में ही रह गया अभी आता हूँ आओ बैठो हाँ? आओ हाँ। पता है रमेन नीता ना तुम्हारी आंखें अजीब सी है कभी कभी बिल्कुल अजनबी लगते हो आई लव यू उर्मी आई लव यू अरे व्हाट इज दिस क्या कर रहे हो तुम छोड़ो मुझे रास्ते उर्मी 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 छोड़ो मुझे बचाओ छोड़ो मुझे नमे छोड़ो मुझे ₹1000 खर्च करने के लिए बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं आपने यही तो आप लोगों का समाज शिक्षा कल्चर का असली रूप है आग बरसने वाली आंखों से बादल भी बरसते हैं तब अगर मेरी बात मान लेते तो ये सब देखना नहीं पड़ता चलिए आइए इधर आ सुन
आज से तुम लोग उस घर में जाके सोना। दादाजी उस घर पे नहीं सोएंगे, वो बाहर ही सो जाएंगे। वो बुढ़ा आदमी वैसे भी नींद कम है, यहाँ पर ही ठीक है। नहीं दादाजी हमारे साथ सोएंगे। फिर मुंह पे जवाब, जा जाके सो जा। जाइए जाके सो जाइए। सुनिए आप बाहर सोओगे? सब भाग्य है प्रभा, सब भाग्य। नहीं तो यहाँ हंडी छुरी कटारी के साथ साथ माँ बाप का बंटवारा नहीं होता। जानती हो प्रभा, अपने रिश्तेदारों के बीच गर्व से कहा करता था कि हमारे बेटे जैसा किसी का बेटा नहीं होगा। आज देख ली उसकी गति, और शर्म के मारे ये सब बातें किसी को बोल भी नहीं पाऊंगा। मिली और तुम्हें लेकर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करूं, इतनी हिम्मत और ताकत मुझमें नहीं है। मेरी इस मजबूरी के लिए मुझे माफ कर दो प्रभा, मुझे माफ कर दो। मालूम आज बार बार ऐसा लग रहा था जैसे आत्महत्या कर। नहीं नहीं नहीं, मेरा एक ही सपना है, मैं सुहागन मरना चाहती हूँ। कौन, क्या हुआ, हुआ क्या है? कहा ना आपको, उस पार्टीशन के उस पार हम लोगों का दुश्मन रहता है, उन लोगों के साथ आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे। उसका कोई दोष नहीं है मंजली बहू, उसे मैंने बुलाया था। चुप रहिए, आपको किसने बुलाया बात करने के लिए? जाइए सो जाइए, सुबह उठ के नाश्ता बना दीजिएगा। सुनिए, इतना बात करने की जरूरत क्या है? कितनी बार बोला है आपको दुश्मन के साथ बातें मत करिए, सुनाई नहीं देता? फिर से कभी देखा तो अच्छा नहीं होगा। अरे चिट्ठी आयल बाहो लाला। ए, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं मेम साहब, कुछ नहीं मेम साहब। तो हाथ क्यों पीछे रखे हो, क्या चोरी की तुमने? अरे राम 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 राम, ये देखिए लिफाफा है, कैशियर बाबू ने कहा है कि लिफाफा पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाल देने। हाँ, खूब सावधानी से, जैसे कोई देख ना पाए। हाँ? जैसे कोई देख ना पाए। वो कोई चोर या डाकू तो नहीं? बाद में डाका डालने के लिए शायद अभी से तैयारी कर रहा है। ए, ये लिफाफा दो मुझे, कहा ना दो। मेरा कोई कसूर नहीं है मेम साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा तो ये बात है, तभी तो सोचूं। आग बरसाने वाली आंखें कभी बादल भी बरसाती है। इतनी अच्छी बातें कैसे कहता है? ए, अभी तक यहाँ पे खड़े हो, जाओ यहाँ से। जी मेम साहब, जी मेम साहब। वाह 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 वाह, पाई टू पाई मिला दिया। तुम तो हिसाब में बहुत पक्के हो, इसलिए मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। डैडी, आप जिससे इतना प्यार करते हैं ना, वो एक मक्कार, झूठा और आपको डिच कर रहा है। मैं डिच कर रहा हूँ मतलब? ये क्या है, ये क्या है? क्या गूंगे क्यों बन गए? हाँ, ये लीजिए डैडी, 5वीं क्लास पास किया हुआ आपके कैशियर का बायोडेटा। स्कूल में फर्स्ट डिवीजन, हायर सेकेंडरी में फर्स्ट डिवीजन, बीकॉम फर्स्ट क्लास, एमकॉम सेकंड क्लास, व्हाट? छोटू, मेरा बंदूक लेके आ, आई विल शूट हिम। नजर है मेरे साथ धोखेबाजी, इतना हाईली एजुकेटेड मैन और मेरे घर में?
इंसल्टिंग। यस सर। यस सर। हाँ, ले आ बंदूक। इस धोखेबाज की एकमात्र सजा है टर्म दंड। डैडी, इस बार के लिए माफ कर दीजिए ना। कर सकता हूँ पर एक शर्त है। कैसी शर्त? इस गधे को, हाँ इस गधे को ढंग के कपड़े पहना ताकि ऑफिस में ले जाकर इसे अफसर बना सकूं। ठीक है, आपके रिक्वेस्ट पे एक बार ट्राई करती हूँ। हाँ, अरुणा, yes. प्रणाम कर। हाँ, उसे प्रणाम कर। हाँ, सर अजय भैया ना अला सर। अरे इस गधे को, हाँ इस गधे को ढंग के कपड़े पहना ताकि ऑफिस में ले जाकर इसे अफसर बना सकूं। तुम्हारी बस हो तुम्हारी, तुम हो मेरे जानू ना। मैं हूँ तुम्हारी बस हो तुम्हारी, तुम हो मेरे जानू ना। कानों को रख कर सुनती हूँ मैं, कानों को रख कर सुनती हूँ मैं। वो तुम कभी सुनो ना, कभी सुनो ना। मैं हूँ तुम्हारी बस हूँ तुम्हारी, तुम हो मेरे ये जानो ना। मन भवरा करे गुनगुन ये, तन मन से बाहर सुनाए। हो मन भवरा करे गुनगुन ये, तन मन से बाहर सुनाए। तुम हो गुलाब अभी तो खिली हो, तुम हो गुलाब अभी तो खिली हो। उसकी सुंदरता बताओ ना, तुम बताओ ना। मैं हूँ तुम्हारी बस हूँ तुम्हारी, तुम हो मेरे ये जानू ना। भी गया तो प्यार और भी जाता ना।
हूँ तुम्हारा, बस हूँ तुम्हारा, और करीब तो आओ ना। मैं हूँ तुम्हारा, बस हूँ तुम्हारा, और करीब तो आओ ना। नकुल, आओ 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 आओ, खुश रहो। कब लौटे? जस्ट नाउ, एयरपोर्ट से निकल के सीधा यहाँ पे चला। बैठो। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा, तुम्हारे लंदन से लौटने में इतनी देर क्यों हुई? लंदन में रहने के समय इजिप्ट और जॉर्डन के दो क्लाइंट के साथ मुलाकात हुआ। वो लोग हमारे प्रोडक्ट को लेके इंटरेस्टेड थे। उन लोगों से मिल के 50 लाख का ऑर्डर कन्फर्म करके मैं वापस चला आया। 50 लाख? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मैं जानता था तुम बिजनेस अच्छा करोगे। मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। ये मुझे भी आपसे कुछ कहना है अंकल। वो मतलब, हेलो उर्मी, हाउ आर यू? अच्छी हूँ। इन्हें तो पहले कभी देखा नहीं। अरे ये तो इतिहास है, यानी कि हिस्ट्री। बस इतना समझ लो कि एक ऑनेस्ट और एजुकेटेड लड़का है, मतलब लाखों में इसके जैसा मिलना मुश्किल है। कुछ ही दिनों में ऑफिस ज्वाइन करेगा। हाँ, अरे आंखें फाड़ कर क्या देखते हो? ये है नकुल, मेरे दोस्त का लड़का, प्लस हमारा जनरल मैनेजर। हाँ, वेरी ग्लैड टू मीट यू। नमस्ते। वेल, अंकल चलता हूँ, फीलिंग टायर्ड। हाँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है ठीक। बाय उर्मी। बाय। तो इस गधे को इंसान बनाने का कोई विचार है भी या नहीं? आपने जब कहा तो मुझे करना ही पड़ेगा ना डैडी। टेलर के पास जाके उसके सारे कपड़ों का नाप देकर आई। ये जो जो कहती है उसे ध्यान से सुनना और अमल में लाना, वरना तुम्हें तो पता ही नहीं। सुन रहे हो? अच्छे से देख लिया ना, टाई का नॉट कैसे बांधते हैं? रोज रोज मैं नहीं बांध पाऊंगी। इसी में इतना दर्द। इसके बाद अगर मैं और जोर से खींचू तो? वो कर सकती हो, नरम हाथों से खींचोगी तो मीठा ही लगेगा। मीठा नहीं, शायद तीखा लगे। वैसे तो मुझे तीखा पसंद नहीं है, पर तुम्हारे लिए मैं ये भी सह लूंगा। आप छोड़ो भी, इतनी शायरी करने की जरूरत नहीं। घूमो जरा, देखो। चलो। क्यों, पसंद आया? कौन? अपने आप को। मैडम, मैडम, बड़े से अजय सर को बुला रहे। जाके बोलो अभी आती हूँ। मैडम, अजय सर चमक रहे। बहुत डर लग रहा है, तुम अगर मेरे साथ चलती तो। क्या हमेशा मैं तुम्हारे साथ जा पाऊंगी? अगर चाहोगी तो जा सकती हो, लेकिन ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। आओ आओ बरखुरदार, आओ। हाँ, दिस इज योर चैम्बर, योर मैन। नकुल, ये हमारे चीफ अकाउंटेंट कह रहे थे वो काम नहीं करना चाहते। हाँ, तुमसे कहो कि हम अगले महीने उन्हें रिलीज कर देंगे, और उनसे कहो कि वो अपना काम अजय को समझा दे, ठीक है? बट अंकल, इतनी जिम्मेदारी का काम बगैर किसी प्रैक्टिकल नॉलेज के। नकुल, जितना मैं कहता हूँ उतना ही करो, समझे? ओके सर। यंग मैन, इस नौकरी के लिए तुम्हें एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगी, और 8,000 रुपए महीने मिलेंगे। बताओ कैसे रहे यहाँ? खुश हो कि नहीं? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, ऐसे बैठे बैठे गप्पे लड़ाने से तो काम नहीं चलेगा। ए, चल उठ। गप्पे मार रहे हैं। जाइए, ये कपड़े धो के लाइए। दीदी। अरे वाह रतन। आ, अंदर आ। अरे दीदी,
तेरे घर की ये हालत? हम लोग अब अलग हो गए हैं। ओ। अरे दीदी, ये तेरी ननद है ना? अरे साले साहब। अरे जीजा जी, कैसे हो? अच्छा हूँ। घर में सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। तुम हो ना? हाँ। तो ऑफिस से लौट के मिलते हैं? ओके बाय। ठीक है। एक बार बोल के भी नहीं गया? घर में और अच्छा नहीं लगता रे। कितने अच्छे सब लोग एक साथ रहते थे, सब अलग हो गया। माँ बोलते हैं वो लोग हमारे दुश्मन हैं। छोटे चाचा थे वो भी चले गए। लाठी और चूरी करके और कोई नहीं बुलाएगा। दादी को दादाजी के साथ मिलने भी नहीं देते। एक काम करते हैं। क्या? सुन, ठीक है दादाजी, आप दादी के संग बात करेंगे? नहीं रे, तुम्हारी माँ गुस्सा होगी। नहीं डांटेंगे, हम लोग नजर रखेंगे। सुनो मेरा बच्चा, एक सीटी पढ़ने से जाओगी और दो सीटी पढ़ने से लौट आओगी। मतलब कोई आ रहा है? नहीं नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो बहुत डांटेगी। जाइए 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 जाइए। अरे जाइए ना। कैसी हो प्रभा? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। बहुत कमजोर हो गई हो। अपने लिए नहीं सोचती, मिली के लिए बहुत चिंता होती है। वो तुम्हें बहुत सताते हैं, ठीक से खाने भी नहीं देते हैं ना? प्रभा, सोचा था हमारी जीवन नैया आराम से चलेगी, लेकिन पता नहीं कब एक छोटा सा छेद हो गया था। हमारे सारे सुख उसी छेद से निकलकर बाहर बह गए। हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। हमारे बेटे और बहू, ओह, तुम्हें भी मेरा शत्रु बना दिया। पता है विजय दफ्तर जाते वक्त अब मुझे बोल के नहीं जाता कि माँ मैं चलता हूँ। एक बार भी नहीं पूछता कि माँ तुम कैसी हो। सब पराये हो गए प्रभा, सब पराये हो गए। जा जा, कोई आ रहा है, तुम चली जाओ। ये क्या, तुम दोनों इतनी रात में यहाँ? मैं चोराते हैं ना, इसलिए नजर रख रहे हैं। बहुत सोए हैं, अब आप नजर रखो, हम चले सोने। चल। अरे देखना दीदी, गुंगी है तो क्या हुआ, एक नंबर के शैतान है। घर में घुस के ही मुझे जोर से पकड़ लिया। क्या? एक को बर्बाद करके आ गई।
बदमाश कही की अब मेरे भाई को बदनाम कर रही है। शैतान लज कही की क्या हुआ? क्या सती सावित्री लड़की पैदा की है आपने? मेरे भाई का दिन दहाड़े सर्वनाश करने चली थी। क्या बोल रही हो तुम मछली बहू? ऐसी बेटी अगर मेरी होती ना गला घोट के मार देती। चल बोल क्या किया है तूने? बोल बोल क्या किया तूने? क्या किया तूने? मर नहीं सकती तू, मर जा तू। इतना अपमान सहकर भी क्यों यहाँ पे पड़ी है? क्यों यहाँ पे पड़ी है तू? चली जा यहाँ से, चली जा। मैं माँ होके कह रही हूँ, तुम मर जा, तुम मर जा। अगर मर नहीं सकती तो बाहर जाके जैसा चाहे वैसा रहे, जैसा चाहे जिंदगी बिता। कल का दारू साला इतना खराब था चाय नहीं हो सकता। वाह चनिया तू भी अकेली और आसपास कोई भी नहीं है। अरे बात भी नहीं कर सकती है। और भी ऐसा आज तो सच में मजा आ गया। कहाँ जाना है? पूछ रही थी कि जाना कहाँ है आपको। सैड, इसको तो बात करना नहीं आता, अब क्या करे? वही तो, यहाँ पे छोड़ के जाएंगे तो फिर कोई। सही कहा, बिल्कुल सही। ओके, फिलहाल ये मेरे घर जाएगी। ओके चलो चल आओ। सुनिए, मिली नहीं है, कब निकली थी अभी तक नहीं आई। बेटी को कोई मारता है ऐसे? मजबूरी में उसके ऊपर हाथ उठाया, मजबूरी में। रास्ता घाट जानती नहीं है, गुंगी लड़की पता नहीं कहाँ है। विजय को बोला उसे ढूंढने के लिए, पर उसने कुछ नहीं बोला। आज अगर मेरा अजय रहता तो। तुम्हारे बेटे ने ही तो उसे शत्रु बनाकर निकाल दिया, उसका तो कोई दोष नहीं। जहां भी रहे सुखी रहे, हमेशा सुखी रहे। क्या करते हैं आप लोग? फैक्ट्री के परचेस और स्टोर में तो देख रहा हूँ बहुत बड़ा घपला है, लाखों करोड़ों की गोलमाल है। सर देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। परचेस और स्टोर डिपार्टमेंट को जाके बोलिए, अगर उनको कोई करेक्शन करना है तो 7 दिन के अंदर करके मेरे पास आए। ठीक है, जाइए। ओके सर। अरे तुम एक इडियट हो। अरे उर्मी से शादी करोगे ये बताने में 1 घंटे लगा दिए। अच्छा ठीक है ठीक है, उसका एग्जाम हो जाए उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू। अरे अरे ये क्या करते हो, खुश रहो, बहुत खुश रहो। अब चलो अंकल। हाँ हाँ ठीक है। अरे सुनो सुनो। हाँ।
कल उर्मी का बर्थडे है, याद है या नहीं? ऑफ कोर्स सर, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। गंधा फूल तुम गुड़िया, कैसे तुमसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी शादी की बात। मेरी शादी? हाँ बेटिया, देख तू अब बड़ी हो चुकी है, इसलिए कह रहा था नकुल के साथ तेरी शादी। नकुल के साथ? नहीं नहीं डैडी, आप क्या कह रहे हो? इनकार क्यों करती है? नकुल स्मार्ट है, वेल बिहेव्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड। नकुल के साथ नहीं है? मैं शादी करूंगी अजय के साथ। अजय? हाँ डैडी। हे भगवान। धत, छोड़ो भी अब ये हिसाब किताब, अभी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। बात करने ऑफिस में? जी हाँ, मगर एक खुशखबरी है, पहले मिठाई खिलानी होगी। पहले खुशखबरी तो सुन ले। पहले प्रॉमिस करो कि कल मेरे बर्थडे पार्टी में तुम गाना गाओगे। हाँ? मैं अगर गाना गाऊंगा तो तुम्हारे सब गेस्ट भाग जाएंगे। वो सब मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, तब मैं गाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जानते हो, आज मैंने पापा से कह दिया कि मैं तुमसे। मुझसे क्या? शादी करूंगी। हाँ सच में? सच्ची सच्ची सच्ची। मैं आई कम इन? सुना है तुम आई हो, इसलिए आया। तुम यहाँ अचानक ऑफिस में? मेरी निजी जिंदगी के बारे में जानने का हक तुम्हें किसने दिया? दो दिन बाद तो तुम मेरी ही पत्नी बनोगी, इसीलिए। आप एक निहायत ही घटिया इंसान हो। यू नो मिस्टर, दिस इज नकुल। पहचान लो मुझे, अंगार हूं मैं। जिसे पसंद नहीं करता उसे जला देता हूं, अंडरस्टैंड? दिस इज अजय, मतलब पता है ना, जिसको आसानी से हराया नहीं जा सकता। आग एक फूंक में बुझा के कैसे मजा चखाते हैं ये मुझे पता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? ओके, देख लूंगा। ये मुझे डैडी ने दिया है, खूबसूरत है ना? हैप्पी बर्थडे बिटिया। वहां पे मत जाना, बड़े साहब बहुत डांटेंगे। चलो चलो अंदर चलो चलो। अजय, ये दिन तुम्हारे जीवन में अनगिनत बार आए। थैंक यू। फिर तुम्हें बहुत सताऊंगी, सह पाओगे ना? सिर्फ इस जन्म में क्यों, अगले हर जन्म सहने के लिए तैयार हूं। सच कह रहे हो? हाँ, प्यार में जलने से अच्छा और क्या हो सकता है बोलो। उसमें अगर मौत भी हो जाए वो मौत भी प्यारा होगा। अजय, अजय सुनो। यस सर। तुमसे कुछ जरूरी बात है, आओ मेरे साथ। उर्मी, मेहमानों का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। ओके डैडी। टेक इट, ओपन इट। सर, जो कहता हूं वही करो। यहां से जितने चाहो रुपए गहने लेकर मेरी उर्मी को मुझे वापस कर दो। सर, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मैं जानता हूं कि दौलत और संपत्ति के लोभ में तुम उर्मी से प्यार करने लगे हो, उसे चाहते हो,
लेकिन मेरे ही एक कर्मचारी के हाथों अपनी बेटी को सौंप कर मैं अपना मान सम्मान नहीं खो सकता, कभी नहीं। इसलिए दौलत के दम पर मैं अपनी उर्मी को वापस मांगता हूँ। बोलो कितना चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, बताओ क्या कीमत है तुम्हारी? सर, आप जैसे अमीरों के पास पैसा ही सब कुछ है, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए पैसे से भी बढ़कर कुछ है, और वो है विश्वास, इज्जत और प्यार। 10-20 लाख तो बहुत कम है। आप अगर अपने पूरे जायदाद भी दे देते ना, तब भी मैं अपने प्यार को नहीं बेचता। लेकिन उर्मी को मेरे हाथ में सौंपने से अगर आपके इज्जत घटते हैं, तब मैं अपनी अनमोल उर्मी को बिना किसी मोल के ही आपको लौटा दिया। हाँ हाँ बाबा, थोड़ा सा रुक जाओ। अरे अजय, क्या हुआ? तुम जा रहे हो? अभी तो मैंने केक भी नहीं काटा। काटो। नहीं काटूंगी। तुमने प्रॉमिस किया था तुम गाओगे। उर्मी प्लीज, आज मेरे लिए गाना गाना मुश्किल होगा। ऐसा करने से नहीं चलेगा, आपको गाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बोलने से नहीं होगा, आपको गाना गाना ही पड़ेगा। हाँ चलिए चलिए। उर्मी प्लीज सुनो, प्लीज सुनो मेरी बात। प्रॉमिस किया था ना तुमने। अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी अजय साहब आपके सामने गाना गा के सुनाएंगे। इस नूर में मन का समा रोशन है, इस नूर में मन का समा रोशन है। ना जाने क्यों यादें मेरी, ना जाने क्यों यादें मेरी हो गई गुम ऐसे। इस नूर में मन का समा रोशन है। राह पे हम मिले थे फागुन के फूल जहाँ इतने खिले, जिस राह पे हम मिले थे फागुन के फूल जहाँ इतने खिले, उस राह को उस राह को काटो से अब मैं ही भरूं कैसे। इस नूर में मन का समा रोशन है। दोनों आंखों को मैं नजरों को ढक कर हाथों से मैं, बंद किए दोनों आंखों को मैं
नजरों को ढक कर हाथों से मैं इन ख्वाबों के सागर को मैं इन ख्वाबों के सागर को मैं रोक दूं कैसे इस नूर में मन का समा रोशन है जाने क्यों यादें मेरी ना जाने क्यों यादें मेरी हो गई गुम ऐसे इस नूर में मन का समा रोशन है इस नूर में मन का समा रोशन है रुको क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी डैडी हमारे इस रिश्ते को नहीं मान पा रहे हैं इसीलिए कुछ पैसे देके मेरे प्यार को वो खरीदना चाह रहे थे मैंने नहीं बेचा क्योंकि मैं बेच नहीं सकता इसीलिए मैंने अपना प्यार तुम्हारे डैडी को दान में दे दिया क्या कह रहे हो तुम और मैं कल ही तुम लोगों की कंपनी से रिजाइन देके चला जाऊंगा अगर जाना ही था तो फिर उस दिन उस गुंडों से मेरी इज्जत क्यों बचाई थी तुमने बोलो क्यों मुझे कुछ ही दिनों में अपना बना लिया था तुमने फिर क्यों 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 बोलो जाओ लेकिन जाने से पहले इतना जान लो जिस दिन तुम जाओगे उस दिन इतनी दूर चले जाओगे जहां से कोई लौटकर वापस नहीं आता उर्मी ठीक है मैं तुम लोगों की कंपनी में काम करूंगा और अदर्स एम्प्लॉयज की तरह लेकिन तुमसे एक विनती है तुम ऐसी कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे डैडी को ठेस पहुंचे खुश रहना तेरे लिए बहुत देर तक इंतजार करता रहा तू नीचे नहीं आई मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं खाया चल बिटिया चल मुझे ऑफिस जाना है खा ले नहीं मुझे नहीं खाना आप मेरे कमरे में फिर कभी मत आना डैडी फिर कभी मत आना उर्मी मर गई है उर्मी उसको उसको आपने मार डाला उर्मी मेरी बात तो सुन एक बार सुन तो ले आप प्लीज चले जाइए डैडी चले जाइए मुझे मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए वेल मिस्टर लहरी मेरा एक काम आपको करना होगा पर ये ऑफिशियल नहीं है मेरा पर्सनल बोलिए सर इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है वहां अगर ये भेज दे तो हाँ क्यों नहीं और इनमें जिनका नाम लिखा हुआ है ना उन्हीं के हाथ में देना ठीक है सर नहीं नहीं मजली बहू देर नहीं होगी मैं भगवान के दर्शन करके ही चली आऊंगी ठीक है जाइए माम दीपक आओ इनको स्कूल में पहुंचा के जाइए जाओ सुनिए देर मत कीजिएगा जल्दी आइएगा नहीं नहीं देर नहीं होगी Thank you.
जी सुनिए, यहाँ अजीत गांगुली सर का घर कहाँ है? हाँ हाँ, वही तो है अजीत बाबू की पत्नी। थैंक यू। अच्छा, आप क्या अजीत गांगुली जी के पति प्रभा जी हैं? हाँ। नमस्कार, अजय बाबू ने आपके लिए ये 2000 रुपए भेजे आपके लिए। अजय, मेरे अजय ने भेजा है? हाँ। कैसे है वो? अच्छे हैं। उनको कुछ कहना पड़ेगा? कह दीजिएगा, हम लोग खुश हैं, बहुत बहुत खुश है। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्कार। अभी क्यों जाएगा, 2 दिन रुक जा। नहीं रे, 3-4 दिन रह लिया, इसके बाद पापा डांटेंगे। तो अपने जीजाजी को बोला? हाँ हाँ बोला हूँ। और सुन, जीजाजी को लेकर हमारे घर पे आना। हाँ हाँ, अच्छे से रहना। हाँ, चलता हूँ। तू अच्छे से रहना। अरे अरे, सुनती हो, पैंट के जेब में 2000 रुपए था, तुम देखी हो? कहाँ? नहीं तो। अजीब बात है, इतने सारे रुपए गए कहाँ? एक दो नहीं, 2000 रुपए। तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या है तुम्हारे हाथ में? रुपए। रुपए? अजय ने भेजा है। सुना सुना आपने? पकड़ जाने से कैसे झूठ बोल रही है? एक नालायक निकम्मा, वो भेजेगा पैसा? भगवान की सौगंध मजली बहू, अजय ने भेजा है। चोर जब चोरी करता है, भगवान का नाम लेके ही करता है। लो ना पैसा। सारे रुपए दे दो। नहीं नहीं, ये रुपए मैं नहीं दूंगी। तू विश्वास कर बेटा, ये रुपए मेरे अजय ने भेजा है। अरे देख क्यों रहे हो, छीन लो पैसे। रुपए दो मुझे। नहीं नहीं, ये रुपए मैं नहीं दूंगी। नहीं दोगे? ये रुपए मेरे अजय ने भेजा है। दो मुझे। ये रुपए मेरे अजय ने भेजा है। दो। ये रुपए मेरे अजय ने भेजा है। मेरे अजय ने भेजा। ये रहा। ये रुपए मेरे अजय ने भेजा। 500 का नोट। आखिर में तुम चोरी किए? नहीं नहीं विजय, नहीं, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया। आज पैसे चुराए, 2 दिन बाद जेवर चुरा के भागी। निकल जाओ, निकल जाओ, अभी निकल जाओ मेरे घर से। चली जाओ, चोरों के लिए कोई जगह नहीं है मेरे घर में। विजय उठो। प्रभा, अविश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। प्रभा, जिस बेटे को 10 महीने 10 दिन अपने गर्भ में रखकर इस दुनिया में लाया, जिनके ऊपर तुमने अपना सारा प्यार लुटा दिया, आज उसी ने तुम पर हाथ उठाया। नालायक कहीं का, तुम्हारी माँ के खून को हाथ में लेकर कहता हूँ, जिस हाथ से तूने अपनी माँ के माथे पर खून बहाया है, एक दिन उसी हाथ से तुझे अपनी माँ का पैर पकड़ना पड़ेगा, और उस दिन मैं तुझे लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। ये फालतू बकवास से कुछ नहीं होने वाला है, तुम आ जाओ मेरे साथ। प्रभा, आज मुझे चीख कर कहने की इच्छा हो रही है कि सारे भविष्य के पिता, कभी भी अपनी संतान पर विश्वास मत करना, बिल्कुल भरोसा मत करना। सब एक एक विषधर सांप, एक एक का डस कर सबको बर्बाद कर देगा, इनके ऊपर विश्वास मत करो। लोक लाज से बहुत मुंह छिपाया, चलो रास्ते रास्ते भीख मांग कर खाऊंगा, लेकिन इनके दरवाजे पर नहीं आऊंगा। चलो चलो। थोड़ा रुकिए, शादी के बाद जब पहली बार मैं इस घर में कदम रखी थी, उस दिन ससुर जी ने कहा था, बहू ये घर ही तुम्हारे लिए गया, काशी, वृंदावन है, मरने से पहले इस घर को छोड़ के तुम मत जाना। मैंने कहा था, नहीं जाऊंगी बाबूजी, कभी नहीं जाऊंगी।
वो तो हो ना सका, इसलिए जाने से पहले मेरे गया काशी वृंदावन की इस मिट्टी को प्रणाम करके जाते हैं। चलिए। बिटिया, काफी रात हो चुकी है, अपने कमरे में चलो। ये जो तू मुझसे बात नहीं कर रही, ठीक से खाना तक नहीं खा रही, इससे मुझे तकलीफ नहीं होती? हाँ बता, इस बुड्ढे को देखकर तुझे तकलीफ नहीं होती? अजय। यस सर। आज शाम को मैंने घर पे एक पार्टी रखी है, तुम्हें आना होगा। आई एम सॉरी सर, पार्टी में जाना मेरे लिए संभव नहीं। यही ना? नो नो नो, पार्टी में मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की ये पार्टी मैंने किस लिए रखी ये अभी तक नहीं बताया। मेरी इकलौती बेटी उर्मी के होने वाले पति के साथ आज मैं मिलवाऊंगा आप सबको। डैडी, वो खुशनसीब कौन है मिस्टर खोसला? मैं खुद उसका नाम अनाउंस नहीं करना चाहता, पर ऑर्डर करता हूँ कि वो उठकर खड़ा हो जाए। नहीं, तुम नहीं। Sit down. अंकल, बैठ जाओ मैंने कहा। अब आएगा मजा। क्या होगा? अलादीन के चराग से जिन निकलेगा। Now the right man. उठो सब। Get up. सब मेरे होने वाले दामाद हैं श्रीमान अजय गांगुली। डैडी, डैडी, आई लव यू डैडी। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अजय। थैंक यू। इतनी बड़ी खुशखबरी आप मुझे सुनाएंगे, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी। मैं तो तुम्हें परख रहा था, समझे? मेरी गुड़िया को तुम कितना प्यार करते हो। तुम तो बड़े बेवकूफ निकले, अपने होने वाले ससुर के अब तक पांव नहीं पकड़े। पकड़ो, रहने दो। जिस पर मेरा दिल गया, जो मैंने चाहा मिल गया। जिस पर मेरा मिल गया, जो मैंने चाहा मिल गया। निसा सारे सारे रेगा खुल गई हर गिरा। निसा सारे सारे रेगा खुल गई हर गिरा। हम तुम हम हो जाए। मेरा दिल गया, जो मैंने चाहा मिल गया। हाँ, जिस पर मेरा दिल गया, जो मैंने चाहा मिल गया। हाँ,
मगा माधा जाने ना खुद को हम ऐसा लगता है धानी सनी बदनी था बदनी मगा माधा जाने ना खुद को हम ऐसा लगता है दिली न जाने क्या चाहे हाँ जिस पर मेरा दिल गया जो मैंने चाहा मिल गया ओ जिस पर मेरा दिल गया जो मन चाहा मिल गया झूम 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 खुशी से झूम 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 आसमां झूम रू 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 ला 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 खुशी से झूम 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 आसमां झूम धानी सनी बदनी था पदमगा माधा सपनों की लहरों पर बहते ही जाए धानी सनी बदनी था पदमगा माधा सपनों की लहरों पर बहते ही जाए राग मिलन की करे ओ जिस पर मेरा दिल गया जो मैंने चाहा मिल गया जिस पर मेरा मिल गया जो मैंने चाहा मिल गया मेरे होने वाले दामाद हैं श्रीमान अजय अजय गांगुली जब तक नकुल जिंदा है ये नहीं हो सकता सर रुपए दे नहीं पाया क्यों वे उस ठिकाने पे नहीं मिले उस एड्रेस में नहीं है मतलब कहां पर गए हैं घर का कुछ नहीं अभी अभी रोने का वक्त नहीं है मौसी जल्दी अस्पताल चलिए चलिए अरे आइए आइए भगवान ये तूने क्या किया ये तूने क्या किया देखिए अब रोइए मत आप धीरज रखिए इन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए उसको बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है खून उस ग्रुप का खून जितना हमारे पास हम दे रहे हैं आप देखिए और कोई रास्ता नहीं है आपको बाहर से खून मंगाना ही होगा मेरा खून ले लीजिए इन्हें बचा लीजिए मेरा खून ले लीजिए ना आपका खून उसके साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता वैसे भी मेडिकल टेस्ट कराने का वक्त नहीं है ये लीजिए इसमें कौन से ग्रुप का खून है लिखा है आप जल्द से जल्द खून लाइए देर मत कीजिए आप जाइए अस्पताल में खून की जरूरत है थोड़े पैसे दीजिए ना मेरे पति अस्पताल में है खून की जरूरत है कुछ पैसे दीजिए ना मेरे पति अस्पताल में है खून की जरूरत है कुछ पैसे दीजिए ना मेरे पति अस्पताल में खून की जरूरत है पैसे दीजिए ना कुछ मेरे पति अस्पताल में खून की जरूरत है थोड़े पैसे दीजिए ना थोड़े पैसे दीजिए ना मेरे पति अस्पताल में मेरे पति अस्पताल में खून की जरूरत है थोड़े पैसे दीजिए ना मैं आपके पैर पड़ती हूँ दया करके कुछ पैसे दीजिए ना मेरे पति अस्पताल में खून की जरूरत है कुछ पैसे दीजिए ना क्या करके कुछ पैसे दीजिए ना मैं अजय हूँ माँ अजय अपने पिताजी को बचा ले बेटा अपने पिताजी को हाँ माँ मैं जरूर बचाऊंगा सर खून तो खत्म हो गया डॉक्टर यस मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है आप जितना चाहिए मुझसे खून ले लीजिए लेकिन मेरे पिताजी को बचा लीजिए ओ नेगेटिव दैट्स फाइन आइए आप लेट जाइए आइए सिस्टर यस सर जल्दी तैयारी कीजिए
सर वो परचेस ऑफिसर और स्टोर कीपर आया सर। भेज दो। जी सर। सर फैक्ट्री के इतने ऊंचे रैंक पे आप लोग काम कर रहे हैं तो हिसाब में इतना गड़बड़ क्यों है? साल में कितना पैसा आप चोरी करते हैं? आप नए आए हैं इसीलिए शायद आप हिसाब और हिस्से में। जस्ट होल्ड योर टंग। अजय भाई। ओह शट अप। मैं किसी चोर का भाई नहीं हूं। ये है आप लोगों का डिस्चार्ज लेटर। आप लोगों को बर्खास्त किया जा रहा है। अजय यू मे गो नाउ। अजय नौकरी चले गई तो भूखा मर जाऊंगा भाई। शट अप। आप लोगों ने अपने माँ बाप को जब दोनों मिलके नौकरों की तरह काम करवा रहे थे तब आप लोगों ने एक बार भी सोचा था कि इस बुढ़ापे में वो लोग कहाँ जाएंगे, जिएंगे या मरेंगे? ये अजय आप लोगों के माँ को 2000 रुपए भेजा था लेकिन आप लोगों ने वो पैसे छीन के उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा के निकाल दिया। एक बार भी आपने सोचा था कि वो कहाँ जाएंगे, जिएंगे या मरेंगे? अपने खुद की बहन को जब झूठा इल्जाम लगा के मजबूर किया था निकल जाने के लिए तब एक बार भी सोचा था कि वो कहाँ जाएंगी, वो जिएगी या मरेगी? गेट आउट। आई से गेट आउट। ओह धूप लग जाएगी, सांवली हो जाओगी। पिताजी पिताजी। क्या हुआ बिटिया? एक खुशखबरी है। पता है पिताजी, आपके दामाद ने ना एक खूबसूरत सा घर लिया है। अच्छा? इतने दिनों के बाद एक अच्छा काम किया बबुआ। अरे ललिता की माँ। हाँ बोलिए। हमारे बबुआ को थोड़ा चाय पिलाओ, मैं तब तक मिठाई लेकर आता हूँ। ठीक है। मेरे प्यारे बबुआ जी, कितने दुलार हैं। अभी आता हूँ। ललिते खुश हो ना? ये तो मेरा 2-in-1 है। अच्छा इतने सारे रुपए आपको कहाँ से मिले? बिजनेस किए हैं शादी करवा के। एक गुंगी लड़की का शादी करवाने के लिए 50,000 रुपए तय किया। उसमें से 20,000 रुपया लड़के के बाप को दे दिया और बाकी 30,000 रुपया तुम्हारे घर के लिए रख दिया। अरे यहाँ पे क्यों बैठे हो? क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे हो? नौकरी चली गई है। नौकरी चली गई? सिर्फ मेरा नहीं भैया का भी। क्या बोल रहे हो तुम? अजय ऑफिस का बहुत बड़ा ऑफिसर है, वही हम दोनों को ऑफिस से निकाला है। तुम लोगों ने पाला पोसा और तुम लोगों के पेट में ही लात मारा? हाय 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 दैया, इतना बेईमान कैसे पाला था तुम लोगों ने? हो सुनते हो मेरा क्या होगा? जिस भाई को आप लोगों ने बचपन से प्यार से पाला था उसी ने हम लोगों का इतना बड़ा सत्यानाश कर। खामोश। दुश्मनी अजय ने नहीं तुम्हारे बाप ने किया है। मेरे पापा? हाँ हाँ तुम्हारे पापा। किसने हमारे भाई भाई के बीच में जहर घोल दिया? किसने हमारे माँ बाप को नौकर की तरह काम करवाया? किसने हमारा 2-in-1 चुराया? सब सब तुम्हारे पिताजी। रुपए चोरी किए है तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी कहने पर अपनी इंसानियत खोके अजय के भेजे हुए रुपए माँ से छीन कर उन्हें चोरी का बदनाम देके घर से निकाला है तुम्हारे कहने पर। हमारी बेसहारा गुंगी बहन को एक शराबी और बदमाश के हाथ में सौंप कर दहेज के 30,000 रुपए लेकर उन्होंने घर बनाया, नई दुल्हन को लेकर घर बसाया और परिवार में खड़ी कर दी ये दीवार। ये दीवार मैं तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। कर लो बात बेटा जी, ये क्या हो रहा है? निकलो निकलो यहाँ से, जिसको शादी करके अपने घर बसाया उसी के पास जाके रहिए। ये क्या कह रही हो बेटी, तुम लोगों के सिवा मेरा कोई? चुप हो जाइए। हमारे परिवार को बर्बाद करके एक कम उम्र की लड़की से आपने शादी नहीं की? कर लो बात,
सोनू मोनू इधर आओ, दीपक इधर आ। आ? क्या, क्या हुआ बड़ी माँ? इस आदमी को अभी इधर से निकाल दो, जाओ कर लो बात। मार इसको, मार इसको, मार इसको, मार इसको, मार मार इसको, मार इसको, मार इसको, मार मार इसको, 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 और तो बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। दो ये तस्वीर दो मुझे। फिर अजय ने क्या रिश्ता है उसके साथ तुम्हारा? आओ आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ 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 मेरे साथ, इधर आओ। Who is this girl? कौन है ये? क्या रिश्ता है तुम्हारे इसके साथ? क्या? You cheat? तुम इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके फिर मेरे साथ? उर्मी प्लीज ये मेरी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। डैडी ने ठीक ही कहा था, तुम धन दौलत की लालच में आके मेरे साथ प्यार का नाटक करते रहे। I hate you. उर्मी, उर्मी प्लीज सुनो, उर्मी। आजा। छोटे बाबू, तुम दोनों को इस तरह देखकर जी जुड़ा गया। जानते हो मेरा लड़का तुम्हारे इस कारखाने का दरवान है। उसी के पास से सुना तुम इस कारखाने के बहुत बड़े ऑफिसर हो, तभी तो मिलने आ गया। भैरव चाचा, माँ पिताजी घर पर है, वहीं जाके हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चल 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 चल। मिली, मिली, कितने दिन कहाँ थी बेटी, कहाँ थी? जय हो अजय। पिताजी। अरे मेरे लाल, अजय तुझे क्या आशीर्वाद दूँ, बोल तो बेटे, क्या आशीर्वाद दूँ? हमारे मालिक, आज तो मेरे अपने बेटे पराए, ये अजय पराए थे, आज अपने हो गए। सही, आज मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ। ये लो, काम खत्म होने के बाद और मिलेगा, पर होशियार रहना। कुछ सोचना मत सर, मुन्ना जिस काम में हाथ लगाता है वो फेल नहीं होता। चलता हूँ। तुम लोग चलोगे मेरे साथ, ये रहा तुम लोगों का हिस्सा। याद रखना, जैसे मैंने कहा है वैसे ही काम करना। अजय गांगुली, तुम्हारी प्रिया सारी जायदाद लेके मेरे पास ही रहेगी और तुम रहोगे सलाखों के पीछे, और तुम्हारी बहन हेलो, यस अजय स्पीकिंग, क्या बोल रहे हैं? फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो, सर को बुलाया है आपने? हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, नहीं, इतनी रात को सर को बोलना ठीक नहीं होगा, मैं खुद ही जाके देख के आता हूँ। जाके गोडाउन खोल दो। आपको तो पता है सर, रात को गोडाउन खोलना मना है। पता है,
पर मेरे लिए नहीं। या गेट खोलो नहीं तो चाबी दो। माफ कीजिएगा सर, बड़े साहब की इजाजत नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत मेरे ऊपर जुबान चलाता है? बड़े साहब को बोल दूंगा। बड़े साहब को बोलेगा? हाँ सर, सर बोल, चाबी देगा कि नहीं? मैं नहीं दूंगा सर, मैं नहीं दूंगा सर। जाओ अपना काम संभालो। सकता है लेकिन पैसे के लिए अपनी बीवी को ही बेच दे, इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता। मैनेजर, वेलकम वेलकम मिस्टर अजय, वेलकम। ओह, तो आपको भी खबर मिल गया? आराम से मिस्टर अजय, आराम से। कमॉन कमॉन मिस्टर अजय, कमॉन। ये तो किसी की डेड बॉडी लग रहा है। यस मिस्टर अजय, वो बेशक एक डेड बॉडी ही है। आइए मुलाकात करा दे। अरे ये क्या, ये तो हमारे फैक्ट्री के दरोगा। राइट ही हुआ। और मिस्टर अजय, आपने ये खून किए हैं। देखिए नकुल जी, ये सब खून खराबी लेके मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिर्फ खून नहीं, गोडाउन से माल हटाने के लिए आपने यहाँ पे ट्रक भी रखा है। माल हट जाने के बाद डिनामाइट से फैक्ट्री और गोडाउन आप उड़ा देंगे। शट अप योर नॉनसेंस, डोंट गेट एक्साइटेड। आपके सारे कारनामे देखने के लिए आपकी प्रिया, आपके होने वाले ससुर यहाँ पे आ रहे हैं। वो लोग आके देखेंगे दो दिन बाद जो करीब होने वाला था वो कितना नुकसान किया है। नकुल, दूसरे की आग एक फूंक में बुझा कर आप उसे मजा चखाते हैं। आज उसे आजमाते हैं मिस्टर अजय, देखो आप इसे बुझा सकते हैं कि नहीं। नहीं नकुल, नहीं नहीं नहीं। Yeah!
से बच सकते हो, मेरे हाथ से बच नहीं सकते। साला, मेरी बीवी को उठाने के लिए साले तूने मुझे ही भेजा। हट। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तूने मुझे बुलाया था ना? एक सीधा साधा इंसान को तू अपराधी बनाना चाहता है? शराफत का नकाब पहन के तूने सर को धोखा देना चाहा ना? अंकल, वो बदमाश, वो अजय गांगुली दारवान को खत्म करके डायनामाइट से फैक्ट्री और गोडाउन को उड़ा देना चाहता था। मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे झूठ बोल रहा है। डायनामाइट उसने लगाया है, ये देखिए उसका निशान। झूठ, सब झूठ। वो खूनी है इंस्पेक्टर, उसे अरेस्ट कीजिए। वो ही दारवान को खून किया है। नहीं नहीं दरोगा बाबू, नहीं, वो खूनी नहीं है। खूनी खूनी ये मैनेजर है। मैं उस बदनसीब लाश का बाप हूँ। उसने गोडाउन की चाबी देने से इनकार किया तो इस मैनेजर ने उसका खून कर दिया। मैं खून देखकर बेहोश हो गया था। यही खूनी है दरोगा बाबू, यही खूनी है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, सब झूठ है, सब बनावटी। और ये पिस्तौल नकली या बनावटी तो नहीं है मैनेजर? लीजिए सर, इसमें उसके उंगलियों के निशान है। वो उसके साथ मिला हुआ है सर। शट अप यू रास्कल, मैं तुम्हें फांसी में चढ़ाऊंगा। सिर्फ एक खून किया है, अगर फांसी नहीं हुआ तो वापस आके मैं सबको देख लूंगा। ले जाओ। मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। जानते हैं सर, जिंदगी में कभी कॉन्ट्रैक्ट फेल नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया। साला, चलता हूँ सर। रुक जाओ, तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तो गुंडा मवाली गिरा हुआ इंसान हूँ, आपके साथ कहाँ जाऊंगा? तुम वो नहीं हो भाई। भाई? तुम एक सच्चा इंसान हो। अरे 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 भाई। अजय। ये सर। चलो अब चलें। उसको रहने दो डैडी। वो क्यों नहीं आ सकता हमारे साथ? नहीं, वो एक कैरेक्टरलेस बदमाश आदमी है। उर्मी। खबरदार, मेरा नाम अपनी जुबान से मत लेना। एक कर्मचारी अपने मालिक के साथ जिस तरह पेश आता है, तुम भी ठीक उसी तरह पेश आना। ओह भैरव चाचा। हाँ छोटे बाबू। मैं कल सुबह आपको हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। ठीक है, ठीक। चलो। ये तूने क्या किया बिटिया? उसने इतना जोखिम उठाकर हमारी फैक्ट्री बचाई, हमारा गोदाम बचाया। वैसे भी दो दिन के बाद तेरी शादी होने वाली है उससे। आपको नहीं पता डैडी, वो एक चीटर है। हमारे घर में जो गूंगी लड़की रहती थी ना, उसके साथ उसने वो बेचारी गूंगी जिसे लेकर आप छोटे बाबू के ऑफिस में गई थी, वो लड़की, वो तो उसकी बहन है मेम साहब। बहन? हाँ मेम साहब, मैं तो उन्हीं के घर में काम करता था। बचपन से उन लोगों को तो मैंने ही पाला है अपनी हाथों से। डैडी। शट अप डैडी, बिना वजह उस बेचारे को बदनाम किया। इस बुढ़ापे में मुझसे अब ये नहीं सहा जाता। चल चल मेरे साथ चल। पिताजी, बाबूजी, हम लोगों को माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए पिताजी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप तो हम लोगों को माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए माँ जी। हमें माफ कर दीजिए। हाँ पिताजी, हम लोगों को माफ कर दीजिए। माँ माँ, हम लोगों को माफ कर दीजिए माँ। श्यामा, जादू उठ जा। मारिए मारिए, जो दिल में आए कीजिए। माँ पिताजी, माफ कर दीजिए हम लोगों को। नहीं क्षमा, बिल्कुल नहीं। माँ, अजय हमें नौकरी से निकाल दिया, उससे कह के हमें नौकरी दिला दो। चलिए आओ प्रभा, उनका विश्वास मत करो। सुनिए, मैं तो माँ हूं ना, बच्चे के बुरे वक्त में मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? आप बोलिए, इन लोग को आप माफ कर दीजिए। नहीं प्रभा, नहीं। इतने सालों से मैं और आप एक साथ हैं, आज तक मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा। आज मैं ये दोनों हाथ फैला के
मैं इन लोगों के लिए विनती करती हूँ, आप इन्हें माफ कर दीजिए। माँ। अजय। अजय, हमें माफ कर दे भाई। भाई, किसका भाई, कैसा भाई? आपके साथ हमारा खून का रिश्ता तो है नहीं। इन लोगों की नौकरी तो लौटा दे बेटा, इन्हें तुम माफ कर दे अजय बेटे। किन्हें माफ करने के लिए बोल रही है? जिन्होंने पिताजी के साथ नौकरों की तरह बर्ताव किया, जिन्होंने आपको चोरी के इल्जाम देके घर से निकाल दिया, उन्हें माफ कर दूं? मुझसे ये नहीं होगा माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे साथ आओ। कितने दिन लेफ्ट राइट नहीं कर पाए? मेरे पास आ। छोटे चाचा, चाचा। अरे नालायक, शत्रु को इतनी जल्दी क्षमा कर दिया? हाँ, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। सर, सर, हम लोग अजय के भाई हैं और ये हमारे माता पिता हैं। गुड, वेरी गुड। समधी जी, मैं अपनी बेटी को आपकी शरण में लाया हूँ, इसे आश्रय दीजिए। आप? पिताजी, इनके कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ। देखिए, आपका घर, आपका सब कुछ और आप ही खड़े हैं। बैठिए बेटी। नहीं नहीं नहीं, पहले आप बताइए कि आपने इसे स्वीकार किया। ये तो मेरा सौभाग्य है। ए नॉटी गर्ल, प्रणाम करो, प्रणाम करो इन्हें। सदा सुखी रहो बेटी। ठीक है ठीक है, जीते रहे बेटी, खुश रहे, बहुत खुश रहे। ओ जिस पर मेरा दिल गया, जो मैंने चाहा मिल गया। जिस पर मेरा दिल गया, जो मैंने चाहा मिल गया।